दोस्तों, अगला सत्र जो है वो जिंदगी नामा पर केंद्रित है और इसमें जो युवा वक्ता हैं वो मंच पर आ जाएं। नेहा नरुका, शिल्पी नीलोत्पल, समर्थ वाशिष्ठ, पूनम अरोड़ा, अनुराधा सिंह और उपासना झा। पहले बिठा लीजिए, मेरे ख्याल से एक संयोजक को अनाउंस कर दीजिए। अभी ये इस सत्र का संयोजन पूनम अरोड़ा करेंगी और अभी सत्र शुरू होने में हम लोगों के कैलेंडर के हिसाब से 1.5 मिनट बचे हुए हैं। सब तो बिठा दीजिए, एक बार लोग सब पानी पी लीजिए। दूसरा सत्र है जिंदगी नामा पर, जो कि कृष्णा जी पर केंद्रित है। कृष्णा जी, अभी जैसे सबको पता है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार उनको 52वां मिला है, तो उसके लिए भी मैं बहुत खुशी अपनी जाहिर करना चाहूँगी। और जिंदगी नामा के बारे में अगर बताऊँ तो मैं जब इसे पढ़ रही थी तो मैं इसे बहुत ज़्यादा रिलेट हो गई थी, क्योंकि एक तो पंजाबी पृष्ठभूमि पर है और मैं पंजाबी फैमिली से हूँ, तो मुझे एक तरह से ना मज़ा भी आया पढ़ने में। जो गालियाँ वाली लिखी थी, मुझे मज़ा आया पढ़ते हुए। लगा कि जैसे मैं अपने लोगों के बीच में बैठी हूँ, मेरे अपने हैं, मेरे घर के लोग हैं, मेरा अपना कुनबा है, मेरी अपनी संस्कृति है, अपना खान पान है, तो मैं बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो गई थी उससे। तो इस सत्र की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं बुलाना चाहूँगी नीलोत्पल जी को, और जैसे कि पता है आपको समय सीमा का आप ख्याल रखिएगा, तो हम आपको जो है हम भी आपको इस बारे में बता देंगे। जी, नीलोत्पल जी। शुक्रिया। जिंदगी का महाआख्यान जिंदगी नामा। जिंदगी के महाआख्यान को प्रस्तुत करते इस उपन्यास की महती जरूरत इसलिए भी हम महसूस कर सकते हैं कि यह अविरत एक विशद जीवन के प्रति तमाम उन्मादों, मूर्खताओं और ढपोर संगों को ढोते हुए भी अपनी जड़ें मजबूती से बनाए रखता है। और यह अकारण नहीं है कि जब हम जीवन में तर्कों से चूक जाते हैं तो विसंगतियां स्वतः उभर आती हैं। सच का कोई ठोस आधार नहीं, लेकिन जब लोक रंजना में प्रेम, कवित्व और साधारणता का समावेश मानवीय रूपेण में आता है तो विश्वास की भूमि पर अनेक फूल झरने लगते हैं। इसे हम मानवीय ताप से ऊर्जस्व देखते हैं। कृष्णा जी हुकूमत पर एक बेहतरीन तकरीर लिखती हैं, रियाया जड़ की तरह है और बादशाह दरख्त की तरह, और दरख्त जड़ से ही मजबूत होता है। ए मेरे प्यारे बेटे, जहाँ तक बन सके रियाया का दिल मत दुखाना, और अगर तू ऐसा करेगा तो अपनी जड़ें स्वतः खो देगा। राज सत्ताओं के खेल में जब शोषण और इतिहास की पृष्ठभूमि को बदलने के यत्न होने लगते हैं, जब सत्ता ही आदर्श होने लगती है, तब यह हर वक्त में पड़ा और याद रखा जाने वाला वाक्य है। पंजाब पिंड के एक गांव की पृष्ठभूमि पर आधारित इस उपन्यास का हर शब्द पिंड की मिट्टी की तरह धड़कता है और ढेरों लोगों के असाधारण संघर्ष से बुना यह उपन्यास दुनिया का बृहत्तर आईना भी है, जहां देनंदिनी से जुड़ी हर बात अपने समय का विरल आख्यान प्रस्तुत करती है। आरंभ कविता के साधन शिल्प में गुथा हुआ पिंड की अमर कथा कहता है, 5 दरिया वाला पंजाब, जेहलम और चिनाब वाला पंजाब, पिंड की अस्मिता और उसका सौंदर्य प्राणपण से झलकता है इसमें। पौराणिक कथाओं में जीवन के कितने सार और उत्पत्तियां छुपी होती हैं, कृष्णा जी ने जिंदगी नामा में इसे बखूबी उपयोग किया है। चांद के अहाते से भी लिखती है, जो मनुष्य अकेला है वही इसे साथी मान लेता है। एक लेखक वो विस्मित समय लेकर आता है जो खो गया है और जो धीरे धीरे भुला दिया जाएगा,
इन्हीं के आसपास कथानक को बुना गया है। पंजाबी सूक्तियाँ प्रचलित लोकगीतों को अर्थपूर्ण ढंग में उपन्यास में लिया गया है। देखें, चाची मेहरी, रब रक्षा करे तो आशी की परवान चढ़े। मेहंदी हंसते हुए पूछती है, प्रीत प्यार के किस्सों में रब का क्या जोड़। इस बात का जिस सार्थक ढंग से जवाब दिया गया है वह उपन्यास की प्राण शक्ति भी है। बाबो, जो आँख वक्त से लड़ेगी वह अल्लाह के फजल से तोड़ भी जा चढ़ेगी। लोगों की भीड़ में यह वाक्य इसलिए भी अवाक करता है कि यह भरपूर उम्मीद और संघर्ष का प्रतीक है और यहाँ लोक मान्यताओं की उपस्थिति भी देखने को मिलती है। यह इतनी सहजता से प्रविष्ट होती है कि हम इसे सच मान लेते हैं। कई बार यह संकेत हमें निर्दिष्ट करते हैं। एक पात्र की जुबानी, सच मानना शाहनी, तड़के कनाली में आटा डाला तो टुकड़ी भर बाहर जा गिरा। दिल में आया जरूर कोई पराहुना, चला आया है सदके तुम्हारी आमद पर। लोकोत्तर जीवन में ऐसे प्रयोग जीवन को और करीब लेकर आते हैं हमारे पास। पात्रों की अधिकता उपन्यास की संरचना को थोड़ा जटिल जरूर बनाते हैं, लेकिन ये वृहद संसार इसी तरह रचा और बुना जाता है। यहाँ धागों की तरह पात्र एक दूसरे में इस कदर गुथे हुए हैं कि उधड़ी सिवनों में भी एक सुंदर सघन जीवन जगत नजर आता है। रीति रिवाजों, रिश्ते नातों, जीवन उद्यम, संवादों का चुटीलापन इस तरह शामिल है, एक मेघ है कि पूरा पिंड ही दिखाई देता है इसमें। यहाँ पात्रों की न रुकने वाली एक ऐसी श्रृंखला है जो एक पिंड, एक मुल्क की मिजाजदारी से आक्रांत नस्लें हैं जो आदिकाल से जय पराजय में भी संघर्ष कर रही है जिंदगी को खूबसूरत मोड़ देने के लिए। जिंदगी वहाँ भी होती है जहाँ हम जा नहीं पाते, कई बार आसपास से गुजरते हैं और उसे छू नहीं पाते। यह करीब करीब के एहसास और छूटने भूलने की हमारी दैनिक प्रज्ञा कितनी मासूम होती है कि वह अछूता संसार हमारी स्मृतियों का अभिन्न हिस्सा बन तो जाता है, लेकिन उसी मासूमियत से भुला भी दिया जाता है। एक लेखक वही समय, वही लोग, वही जगह फिर से क्रिएट करता है, लेकिन यह जादुई बुनकरी बहुत कम लेखक हासिल कर पाते हैं। कृष्णा सोपती जी ने से बहुत बारीकी से इस उपन्यास को गढ़ा है। ऐसी कहानी जो कई सारी कहानियों का अनंतिम समावेश है, जिसमें देश काल, पिंड, खेतीहर किसानों की पीड़ा, उससे जुड़े संघर्ष, दैनिक जगत की व्यावहारिक दिक्कतें और परेशानियां इस तरह समावेशी है कि यह जगत व्यापार निरंतर चलता रहता है तमाम असुविधाओं के चलते। उपन्यास में समकाल का ईमानदारी से निर्वाह है। संवाद में मुल्क और नज़दीकी मुल्कों के हवाले से इसे और संपन्न और समृद्ध बनाया गया। कितनी ही कौमें तख्तो ताज सजा गई इस मुल्क पर, सब कुछ बदला, हुकूमतें बदली, बादशाह बदले, लेकिन मुल्कों की खलकतें नहीं बदलती। ऋतुएं समय की गति है, जब भी ऋतु बदलती है जीवन चक्र में बदलाव स्वतः देखने को मिलते हैं। किसानों के लिए ऋतुओं की निर्भरता ही अधिक रहती है। कृष्णा जी ने मौसम की महीन आवाजें यहाँ बखूबी दर्ज की है। सावन की जल बिंबिया यह आ और वह जा, फणकारे मारते पनीले मीह, ऐसे घिर घिर आए जो गाजी मर्दों के लश्कर। बादल गरजे कड़के कड़ाकों से, मानो फौजों की टुकड़ियां, बिजली लप लप चमके यो तलवारें। जिंदगी नामा का शिल्प विधान घरों, राहों, तख्तों और इतिहास में चल रहे संवादों से रचा है। बादशाहों की तकरीरें, संत और मज़ारों का रुख, मियां मीर और छज्जू भगत की दोस्ती की मिसालें यहां देखने को मिलती है, जहां किसी कौम की नहीं दो दोस्तों की बात है। दूध मक्खन की तरह दिल के दर्पण में भी बाल आ जाए तो रो ख्याल मेला हो जाता है। दोस्ती के ऐसे पाल फलसफे हैं। आम जिंदगी में घुला कवित्व है तो बुल्ले शाह का बारह मासा भी यहाँ सरमाया है। फागुन फूले खेत जो, बन तन फूल श्रृंगार, होर डाल फूल पत्तिया, गल फूलन के हार, होरी खेलन सैया, फागुन मेरे नैन, झलारो वगन औखे जीवन दिया, दिन तगन सीने बान, प्रेम के लगन, चेत चमन में कोयल या नित कुकू,
करे पुकार, मैं सुन सुन झुरझुर मर रही, कब आवे घर यार। अंत में उपन्यास में कहानी ढूंढने के बजाय पात्रों और उनके जीवन संवाद को देखना समझना बहुत ज़रूरी है। ये वही लोग हैं जो हमारे आसपास की जिंदगी को पूरा करते हैं, उसे निरंतर गतिशील बनाते हैं। बरक्स जिंदगी नामा इन संसार से संवाद बेहद ज़रूरी है, हर हाल हर हमेश। बिल्कुल सही कहा आपने नीलोत्पल जी, जिंदगी है इस उपन्यास में, ना कि एक कहानी है। हर इंसान, हर बात, हर चीज इस तरह से चलती है जैसे बहुत ज्यादा जुड़ी हुई है एक दूसरे से। तो इस फलक पर हम ये कह सकते हैं कि जिंदगी नामा एक विराट जीवन है। जैसा कि अशोक जी ने कहा कि जिंदगी जिंदगी साहित्य से ज्यादा बड़ी है। जिंदगी में ज्यादा साहित्य है, जिंदगी में ज्यादा कहानियां हैं, जिंदगी नामा उसी का एक रूप है। अगला मैं नाम लेना चाहूंगी विमल चंद पांडे जी का, अनुराधा सिंह। मैंने जिंदगी नामा उपन्यास का एक विषय में से कुछ चीज़ें निकाली हैं और विषय है जिंदगी नामा उपन्यास के परिवेश और कथानक के विकास में सूफी व लोक गीतों की भूमिका। जिंदगी नामा उपन्यास खरीदने के लिए जैसे आप राजकमल प्रकाशन की वेबसाइट खोलते हैं तो उसके परिचय में, उपन्यास के परिचय में जो पहला वाक्य है उसमें लिखा है कि जिंदगी नामा कृष्णा सोबती का ऐसा दिलचस्प उपन्यास है जिसमें ना कोई नायक है ना कोई खलनायक। अशोक वाजपेयी कहते हैं कि जिंदगी नामा संक्षिप्त महाभारत है, अबृष्ट महाभारत। जुलाई 2016 में केशव गुहा द हिंदू में लिखते हैं कि यूरोपीय मापदंड में जिंदगी नामा एक उपन्यास ही नहीं है। मेरी सीमित समझ और पाठकीय दृष्टि के अनुसार इन कथनों का एक आधार यह है कि इस किताब में कोई एकहरा या केंद्रीय कथानक नहीं, कोई आरंभ या उपसंहार नहीं। छोटे छोटे दृश्य हैं, घटनाक्रम है, हर दृश्य जीवंत है, संवेगों और संवेदनाओं से लबरेज, अपने आप में संपूर्ण यह पुस्तक नहीं जीवन है। मोटे तौर पर इसे यूं समझा जा सकता है कि हमारे तहीं किसी गांव, शहर या देश की कहानी तभी शुरू होती है जब हम मूर्त या अमूर्त रूप में उसमें दाखिल होते हैं। जिंदगीनामा एक इतिहास भी है, हालांकि इसमें किसी तारीख का जिक्र नहीं है, लेकिन प्रथम विश्व युद्ध और गदर के प्रसंगों से पता चलता है कि 20वीं शताब्दी के पहले दो दशकों का घटनाकाल इसमें बताया गया है। तो जहां इतने जीवंत तरीके से आप जीवन और अतीत के तिलिस्म को रच रहे हैं, मुझे लगता है उसमें कृष्णा सोबती जी के इस उपन्यास में गद्य से महत्तर भूमिका उनके पद्य की है। तो इसी चीज पर प्रकाश आगे डालना चाहती हूँ। आइए निरखते हैं जिंदगी नामा उपन्यास में पंजाब के सूफी व लोक संगीत के वैभव की छटा। बाबा बुल्ले शाह कहते हैं, चल बुल्ले चल उठे चलिया जेथे सारे आने, ना कोई साड़ी जात पहचाने ना कोई सानू मने। इससे आपको कुछ ये याद आ रहा होगा कि रही अब ऐसी जगह चलकर जहाँ कोई ना हो, कोई हमसाया ना हो और पासवां कोई ना हो। पंजाब के गीतों का तो एथोस ही सूफी है। बाना दुनियावी जरूर है पर उसके तार सीधे गैब से जुड़े हुए हैं। जैसी सूरत एंदी तैसी सूरत गैन, एक नुक्ते दा फर्क है भुली फिरे कुनैन। बुल्ले शाही कह रहे हैं कि अल्लाह और गैर अल्लाह में सिर्फ एक नुक्ते का फर्क है और दुनिया पागल हुई है। दुनिया उस नुक्ते के पीछे पागल है और सूफी दर्शन क्या करता है, बस उस नुक्ते को एक जगह से उठाकर दूसरी जगह रख देता है, कभी यहाँ रख देता है और कभी गायब भी कर देता है। ये जो पंजाबी लोकगीतों का सूफीपन है, इसको सोचते ही एक फक्कड़पन, एक निर्बाधता सामने आ खड़ी होती है। अदम्य दुस्साहसी है सूफी इश्क, जिस जन लगिया लगिया इश्क कमाल, नाचे बेसुरते बेताल।
जिंदगी नामा के गीतों में पंजाब की इसी सूफियान की बेखुदी बेपरवाही ही नहीं जट बाकुरा रुमान भी है। उपन्यास में शामिल देशक गीत पंजाब के मतवाले इश्के और बलिष्ठ पौरुष से भरपूर तेवर रचने में महती भूमिका निभाते दिखते हैं। पूरे उपन्यास में अनगिनत हीरे हैं, कवित गीत बोलियां घोड़ियां सिठनियां जिन्हें गाली भी कहते हैं, गालियां यूं बिखरी है जैसे खीर के कटोरे में मीठी किशमिश। अर्थ ठीक ठाक पूरा समझ में नहीं आता क्योंकि भाषा बहुत क्लिष्ट है, लेकिन भावार्थ हो जाता है। और कवित देखने में छोटे हैं, घाव गंभीर करते हैं, बात सीधे कलेजे में लगती है। जैसे खेतों में नहाती चिठोली करती युवतियों को देखकर गबरू जट सिकंदर ने ऊंची आवाज में हीर के सुर उठा लिए। तेरा हुस्न गुलजार बहार बनिया, अज हार श्रृंगार सब भावदारी, अज ध्यान तेरा आसमान ऊपर, तुझे आदमी नजर ना आवे। इन चार पंक्तियों में प्रणय निवेदन है, मनुहार है, छेड़छाड़ सब कुछ है। लड़कियां एक दूसरे पर पानी के छींटे डालती हुई पोखर से भाग खड़ी होती हैं। दूसरा एक दृश्य है उपन्यास के पूर्वार्ध में ही, जहाँ शाह शाहनी के घर पर त्रिंजन यानी तीज मनाई जाती है। वहाँ लड़कियां तीज में चरखा काटने के लिए आती हैं और वहाँ पर वो गाती भी हैं। तो बारिश शाह की हीर उठाकर हवेली गुलजार डालती हैं, वे गाती हैं हीर में। डोली चढ़ दिया मारियाँ हीर चीखा, मैनू ले चल बाबला ले चलो वे। डोली पर चढ़ते ही हीर ने चीख मारी कि बाबुल मुझे ले चलो। और चाची महरी कहती हैं, रब रखवाला न हो आशिकों का तो मोहब्बतें तोड़ ही चढ़ती, चनाब पार करने वाले घड़े ही गल जाते हैं। गाने में पारंगत गांव की बेटियां बाबू और फातिमा तो सुहाग और भाई के ब्याह के रसूल वाली घोड़ी भी इस दैदी पे से गाती हैं कि दसों दिशाएं गूंज उठती हैं। पंजाब की धरती के सब मिथक और रस्म रिवाज जाग उठते हैं उनके सुरीले बोलों में। वे गाती हैं, मेरे वीर का सहरा आया कोई माली गूंथ ले आया, उत छत्र नबी का सोवे सालिया त्याली। गांव के अलिये की बेटी फतेह रावी पार के धाड़ी वालियों के शेर अली को अपना दिल दे बैठती है। शेर अली मौज में उसे देखकर गाता है। देखिए इस तरह की चीज़ों से ही इस उपन्यास में जो रस या दृश्य और जीवन उत्पन्न होता है। चढ़िए डोली प्रेम की दिल धड़के मेरा, हाजी मक्के हज करन मैं मुख देखूं तेरा। शादी ब्याह में वर पक्ष को सुनाकर गालियां गाने का रिवाज तो बुंदेलखंड से पूर्वांचल तक है, तो पंजाबी क्यों पीछे रहेगा। जब तमाम इंतजाम सरंजाम के बाद शेर अली बारात लेके फतेह के घर आता है तो गांव की स्त्रियां गाली देती हैं। और गाली इस तरह से दो एक उदाहरण देती हूँ कि चाचा न पढ़िया तेरा दादा न पढ़िया, पुत्र हराम का मसीती न चढ़ाया यह बात बनती नहीं, पढ़ा लिखा तो है नहीं हम शादी करेंगे नहीं। पंजाब में उत्तर भारत की जैसे उत्तर भारत में टेसू झंझी का ब्याह होता है, बच्चे घर घर जाकर रुपया पैसा मांगते हैं और सामान मांगते हैं और गाने तरह तरह के गाते हैं। उसके बाद एक मूर्त देख के पंडित जी टेसू और झंझी का ब्याह करा देते हैं। वैसे ही पंजाब में तीज पे बच्चे जिन घरों में नई नवेली बहुएं आती हैं या छोटे बच्चे शिशु जन्म लेते हैं तो तब जाकर दमड़ी ढेला पैसा मांगते हैं और वो तब इस तरह से गाते हैं, भरी मिले भई भरी मिले लाडलों की भरी मिले। रंग तो कितने हैं कृष्णा सोबती की भाषा के इंद्रधनुष में, और इन गीतों और कवितों ने और चटक बना दिया है। अंत में एक बात कहना चाहती हूँ कि इन गीतों ने अगर इस उपन्यास को सबलता प्रदान की है, पंजाब की मिट्टी की महक फसलों की गंध दी है, प्रेमियों की दीवानगी और बिछोह के आंसुओं का नमक दिया है, तो इन्हीं गीतों ने इस उपन्यास को दुर्बल भी बनाया है क्योंकि इतनी क्लिष्ट डोगरी और पंजाबी भाषा में ये गीत और कवित्व लिखे हुए हैं और कहीं भी प्रकाशक या लेखक ने इनका संदर्भ सूत्र या अर्थ प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं समझी है। पाठक को बिल्कुल उसके ही अनुमान और विवेक के सहारे निरालंब छोड़ दिया जाता है। शुक्रिया। ये बात तो सही है कि भाषा बहुत मुश्किल है इसमें, लेकिन मुझे लगता है जो लोग पंजाबी हैं और पंजाबी भाषा को थोड़ा सा जानते हैं या पंजाबी पृष्ठभूमि से, उनके लिए बिल्कुल मुश्किल नहीं है। तो इस सत्र को और आगे बढ़ाएंगे, देखते हैं उपासना झा क्या कहती हैं जिंदगी नामा के बारे में।
जिंदगी नामा कृष्णा सोबती की प्रतिविधि रचनाओं में से एक है और भारतीय उपन्यास में उन्होंने ऐसे महत्वपूर्ण स्त्री पात्र दिए जो उनसे पहले कभी किसी लेखक ने नहीं दिए थे। उनकी पात्र सुमित्रावंती जो मित्र मरजानी में है, उससे पहले किसी स्त्री पात्र ने भारतीय उपन्यास के वृहद फलक पर अपनी दैहिक इच्छाओं की अभिव्यक्ति नहीं की थी। कृष्णा सोबती केवल प्रतिरोध का स्वर नहीं है, कृष्णा जी की सबसे बड़ी खासियत है उनकी उदार मानवीयता। उनके सभी उपन्यासों को अगर आप पढ़ें, हम हशमत, सूरजमुखी अंधेरे में, यारों के यार, उनके सभी पात्र, चाहे वो नायक हो, प्रतिनायक हो, नायिका हो, कुछ उपन्यासों में तो नायक नायिका हैं भी नहीं, उनका कथ्य ही नायक है, नायिका है। आप एक चीज़ बहुत उसमें सजगता की आवश्यकता है, ध्यान से पढ़ने पर आप पाएंगे उनके सभी पात्र किसी ना किसी उदार मानवीय मूल्य को लेकर चलते हैं। और उनके पात्रों की एक और सबसे बड़ी खासियत है, वो कहीं ना कहीं प्रेम से गुथे होते हैं, उनके प्रतिनायक भी। अब इसी उपन्यास में जिंदगी नामा में जो महत्वपूर्ण पुरुष पात्र है, शाह जी, अगर आप देखें जो नायकों के लिए प्रतिमान स्थापित हैं, उस पर वे कहीं से खड़े नहीं उतरते। उनकी उम्र हो चली है, उनकी पहली पत्नी मर गई है पुत्र को बिना जन्म दिए, दूसरी पत्नी शाहनी के सामने वे किसी ना किसी तरीके से यह इच्छा जतलाते रहते हैं कि वो एक और शादी करना चाहते हैं क्योंकि उन्हें संतान चाहिए। तो और इसमें एक और पात्र है, उन्हीं का छोटा भाई काशी शाह। काशी भी नायकों के लिए जो मूल्य निर्धारित है उस पर खरे नहीं उतरते। भरी जवानी में वो वैराग ले चुके हैं और अपनी जो संस्था है उनकी साहूकारी की, जमींदारी की, उसके खिलाफ वो खुद जाते हैं और गांव के लोगों की मदद करते हैं, उनके दुख दर्द में उनकी मदद करते हैं। जो उपन्यास में मुख्य स्त्री पात्र हैं, शाहनी, चाची मेहरी, बिंद्रा देई मुझे इसलिए बहुत महत्वपूर्ण लगती है शाहनी से ज़्यादा, उसमें कुछ न कुछ मित्रों की झलक है, सुमित्रावंती की झलक है। बिंद्रा देई मुखर नहीं है, मित्रों की तरह वाचाल नहीं है, अपने व्यक्तिगत दुख को वह छुपा कर रखती है। कहीं ना कहीं शाहनी से, जिससे उसका प्रेम है और बहनापा है, वह यह बात कहती है और अपने व्यक्तिगत दुखों से ऊपर वह परिवार की इज्जत को रखती है। लेकिन पूरा उपन्यास जब आप पढ़ें, मैंने इसे कई बार पढ़ा, अशोक जी ने कहा था कि पढ़ने के लिए मजबूर किया, मुझे नहीं कर पाए क्योंकि मेरा बैकग्राउंड ह्यूमन रिसोर्स का था, होटल मैनेजमेंट का था, और विगत कुछ वर्षों में साहित्य के प्रति बहुत रुझान हुआ, तो मैंने बीए किया, एमए किया, और एमए में जिंदगी नामा था, मेरा पेपर था, तो मैंने बहुत मन लगा के इसे पढ़ा था। मेरे लिए दिलचस्प इसलिए भी था कि कहीं ना कहीं उपन्यास की भाषाई सौंदर्य पर अगर जाते हैं तो मैलाचल से तुलना होती है। मैलाचल में जितने पात्र हैं वो मैथिली बोलते हैं, सूत्रधार हिंदी बोलता है, लेकिन मेरे लिए कठिन था थोड़ा, चूँकि पंजाबी का मुझे कुछ नहीं आता, इस उपन्यास में सूत्रधार भी पंजाबी बोलती हैं, तो उसको समझने में समय लगा। अब इस उपन्यास के बारे में जब बात करते हैं तो कृष्णा सोबती जी की तो ज़रूर बात होगी और उनकी उदार मानवीयता की भी बात होगी और साथ साथ उनके प्रतिरोध की आवाज़ बनने की भी बात होगी। जिंदगी नामा का शाब्दिक अर्थ है जीवन कथा, जीवन की कहानी, और इसका इसको उन्होंने जिंदा रुख माना है, जिंदा पेड़। पेड़ बढ़ते रहते हैं, चाहे उनकी उम्र जितनी भी होती जाए वो बढ़ते रहते हैं, उनकी डालियां बढ़ती हैं, उन पे फूल आते हैं, फल आते हैं, जब तक कि उन्हें काटकर खत्म ना कर दिया जाए। तो गुजरात जिले के डेरा जट्टा गांव को उन्होंने चुना, जो संभवतः लेखिका का अपना गांव भी था। अपने गांव से ऐसा भावनात्मक लगाव भी बहुत कम लेखकों में पाया जाता है। जिस तरह से उन्होंने अपने गांव के इतिहास, पंजाबियों की पुरानी सूफी परंपरा और वहां संतों की बात को उन्होंने गूथा, जीवन के जो सभी पर्व त्यौहार आते हैं और बारह मासा, शुरुआत ही होती है शरद पूर्णिमा की रात से, और हवेली पे बच्चे, बूढ़े, औरतें सब इकट्ठा हैं और बड़े शाह जो है वो कथा कहते हैं। जिंदगी नामा उपन्यास दसवें और अंतिम सिख गुरु गोविंद सिंह के सुप्रसिद्ध फारसी कथन चूकार अज हमा हिलते दर गुजस्त हलालश्त बुर्दन बा शमशीर दस्त, जिसका अर्थ है कि जब दूसरे रास्ते कारगर ना हो
तो प्रतिरोध के लिए तलवार उठा लेनी चाहिए। कृष्णा जी ने ये तलवार उठाई कलम से। उन्होंने ऐसे ऐसे चरित्र रचे, ऐसी ऐसी कहानियां लिखी जिनमें हम जिनको हम पढ़ते हैं तो हम समझ सकते हैं कि प्रतिरोध ऐसे भी होता है। उपन्यास का आरंभ शरद पूर्णिमा की रात के खूबसूरत चित्रण से होता है। पंजाबी गांवों में बसे हुए हिंदू मुसलमान सिख तीनों की मिलीजुली साझा संस्कृतियां और तीनों के आपसी प्रेम उनके लगाव की कहानी है ये। मुझे उपन्यास में जो बात सबसे ज्यादा आकर्षित करती है, इस कहानी में जो स्त्री पात्र है, पुरुष पात्र है, अविवाहित पात्र है, राबिया फतेह। राबिया को बड़े शाह से प्रेम है और यह बात पूरा परिवार और समाज जानता है। राबिया इस बात को कई बार कई तरीकों से जतलाती भी है। शाह जी भी उसके प्रेम को एक्सेप्ट करते हैं, जो बहुत बड़ी बात है। एक गांव में, एक छोटे समाज में, या उसको वृहद स्तर पर भी लें तो अगर यह बात कहीं और होगी तो इसमें कई तरह की कुंठाएं जोड़ दी जाएंगी। विवाहेतर संबंध, दूसरे धर्म के साथ संबंध, दूसरी जाति में संबंध, विवाहित स्त्री का अविवाहित पुरुष के साथ संबंध। चची मेहरी विवाहित थी दूसरे गांव में, जहां उसका नाम लड़िको है। उसके पति की मृत्यु के बाद शाह के परिवार के एक शाह को उनसे प्रेम हो जाता है और वो बकायदा उसे वहां से उठा लाते हैं। बात कोर्ट में जाती है, वहां चची लड़िको कहती है, जो मेहर हो गई है, वो कहती है कि मैंने 3 साल विधवा का जीवन जिया है, उसके बाद मुझे प्रेम हुआ और मुझे अधिकार है कि मैं प्रेम करूं। तो कोई स्त्री यह कह सके सबके सामने कि मुझे अधिकार है कि मैं प्रेम कर सकूं, यह बहुत बड़ी बात है। यह इसलिए और महत्वपूर्ण बात है कि वह स्त्री गाँव के परिवेश से है, जहाँ स्त्री का बोलना बहुत बड़ी बात है। कृष्णा सोबती की उदार मानव दृष्टि की मैं बार बार बात करती हूँ। इस उपन्यास में वह शुरू से अंत तक ध्वनित है। गांव डेरा जट्टा में सभी समुदायों के लोग मिलजुल कर रहते हैं और जैसा कि मैंने पहले भी कहा, शाह जी को जो लड़की आराध्यमान बैठी है वह एक मुस्लिम परिवार से आती है। एक विधवा ब्राह्मणी को एक मुस्लिम लड़के से प्रेम हो जाता है। ये एक ऐसी साझा संस्कृति की वृहद तस्वीर है जिसको कोई कभी नहीं नकार सकता। इस उपन्यास का इसलिए भी बहुत महत्व है। उपन्यास में नारी पात्रों के आंतरिक मनोभाव को बहुत ही मुक्त रूप से चित्रित किया गया है। नारी पात्रों में कहीं कोई कुंठा नहीं है। अब जो शाहनी है, जब हम परंपराओं की बात करेंगे, उसे अपनी जो उसकी सौतन थी जिसकी मृत्यु हो चुकी है, उसकी छाया दिखती है। अब प्रगतिशील लोग कह सकते हैं कि ऐसी कहानी में वो कहीं ना कहीं से ये डालने की क्या ज़रूरत है कि उसको भूत प्रेत दिखते हैं, कहीं ना कहीं वो उस चीज़ को सपोर्ट कर रहे हैं। बात सपोर्ट करने की नहीं है। जब आप गांव के परिवेश की बात कर रहे हैं तो वहाँ की जो छोटी बड़ी कमियाँ, अच्छाइयाँ, खूबियाँ, सब भूत के चलना पड़ेगा, सबको साथ में लेके चलना पड़ेगा। उपन्यास का फलक इतना विशाल है कि जीवन व्यवहार के सभी पहलुओं की मगर सहज भाषा शैली में लेखिका ने आंखों के सामने घट रही घटनाओं के रूप में चित्रण किया है। जहां सभी प्राय अपनी सभी रचनाओं में लेखिका ने स्त्री पात्रों को अतिरिक्त संवेदना से चित्रित किया है, वहां हर प्रकार के सामाजिक सांस्कृतिक दमन का भी सशक्त प्रतिरोध किया है। इससे लेखिका की जीवन दृष्टि उभर कर आती है। जिंदगी नामा के संदर्भ में इस दृष्टि का महत्व इसलिए है क्योंकि इस उपन्यास में राष्ट्रीय स्वाधीनता संग्राम की अनुगूंज भी सुनाई पड़ती है। 1907 से 1915 का घटनाक्रम है। अगर आप बहुत ध्यान से पढ़ें तो द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो चुकी है। भगत सिंह के चाचा अजीत सिंह को पुलिस पीटती है, वो घायल होते हैं, मृत्यु होती है। पगड़ी संभाल जट्टा लिखने वाले पंजाबी के बहुत मशहूर गीतकार रूपचंद फलक का भी इस उपन्यास में है और उनको भी पुलिस के दमन का शिकार होना पड़ा था। तो ध्यान से पढ़ें तो ये 1907 से 1915 तक की ही कहानी है। बीच बीच में जो पंजाबियों की आप उसे कह सकते हैं कि एक स्वाभाविक वृत्ति है अपनी दुस्साहिकता को सामने लाना, बढ़ा चढ़ा के बताना, चौपालें लगती हैं, चौपालों पे वो अपनी कहानियां सुनाते हैं एक दूसरे को, वापस आके दुश्मनों से बदला लेने की कहानी भी बहुत अच्छे तरीके से सुनाते हैं। तो भाषा बाधा नहीं बनती है, बस थोड़ा डूबना पड़ता है, 2-4 रीडिंग जरूर मांगती है, भाषा बाधा कहीं नहीं बनती है इसमें। जैसा कि मेरे मित्र और साथी नीलोत्पल जी ने भी कहा कि इस उपन्यास में 12 मासा का जिक्र हुआ है। पंजाबी के जो बड़े जितने कवि हैं और उससे पहले पुराने रीतिकाल वाले भी जो कवि हैं, 12 मासा
मैं खत्म ही करूंगी तो उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहा है। इस उपन्यास में भी शरद पूर्णिमा से शुरू होकर त्रिंजन, लोहड़ी, होली, ईद सभी महत्वपूर्ण त्यौहार आते हैं, उन सबके गीत। इस उपन्यास में एक चीज और है जो मुझे खटकती है, लेकिन वो सच है, खटके तो क्या, बार बार जब भी बच्चों की बात होती है, बच्चों को बहलाने की बात होती है, गोदी में बछड़ा खेलने की जब बात होती है, तो एक वारिस की ही उसमें बात होती है। पुरुष हो, बच्चा जो हो, वो मेल हो, जो सच है आप उसे नकार नहीं सकते। अभी भी तो भारत का बहुत बड़ा हिस्सा इस सोच से दबा हुआ है, तो उस सच को वो सामने लाती हैं। इस उपन्यास की सबसे बड़ी खासियत है इस उपन्यास की अंतर्वस्तु, इसकी थीम, इसकी सहज मानवीयता। जिंदगी नामा एक आख्यान है और हमारी दैनंदिन जिंदगी में जो घटता है उससे महत्वपूर्ण कुछ नहीं होता, भले वो हमें बहुत छोटा लगता है और इमटीरियल लगता है, लेकिन असल में जीवन उन्हीं सभी छोटी चीज़ों से बना है, उन्हीं गीतों से, त्योहारों से, मानवीय संबंधों से, एक दूसरे के प्रति प्रेम से, एक दूसरे के प्रति नकार से भी। धन्यवाद। थोड़ा रूखापन लग सकता है पर करना पड़ेगा ना, 10-10 मिनट हैं। तो उपन्यास के बारे में अभी तक जितने भी लोगों ने बताया मुझे बहुत अच्छा लगा कि बहुत सूक्ष्म, जिस सूक्ष्मता से इसको लिखा गया है उतनी ही सूक्ष्मता से पढ़ा भी गया है, और जिस तरह से पढ़ा गया है उस तरह से हम इसको बता भी पा रहे हैं। अगला नाम मैं लेना चाहूँगी शिल्पी का, शिल्पी नहीं है, नेहा नरुका। मैं जो बोलना चाहती थी उसकी बहुत सारी बातें मेरे साथी बोल चुके हैं, तो मैं उसको रिपीट नहीं करूँगी, हालांकि रिपीट होगा क्योंकि फिर कुछ बचता नहीं। जब मैं मेरी पीएचडी आत्मकथाओं पे है, तो जब मैं पीएचडी मैंने टॉपिक डिसाइड किया था तो मेरे गाइड ने और कुछ मेरे दोस्तों ने मुझे सजेस्ट किया कि जिंदगी नामा भी रखो, ये कृष्णा शोभती की आत्मकथा है। तो जैसे उनके जीवन के आत्मकथात्मक अंश भी हैं, इस तरह का भी हो सकता है, मैंने आत्मकथा समझ लिया। तो मैं जब इसको खरीद के लाई और मैंने जब इसको पढ़ना स्टार्ट किया तो मुझे तो ये कहीं से दिखनी नहीं थी, कहाँ आत्म, कब कृष्णा शोभती आ रही है, कब आ रही हूँ, आ ही नहीं रही ही रही। तो मुझे लगता है शायद नाम की वजह से कन्फ्यूजन हो गया हो, जिंदगी नामा, तो सोचा कि उनकी जिंदगी का ही नामा होगा। पर इसको पढ़ने से मुझे एक चीज़, मैं आत्मकथाओं से इसकी मैंने तुलना की तो मैंने देखा कि अपने जीवन की कहानी लिखना और एक पूरे जहाँ जिस धरती के हम हैं उस जीवन की कहानी लिखना, तो दोनों में अगर तुलना की जाए तो वो साहित्यकार की वो दृष्टि बड़ी मानी जाएगी जिसमें औरों की बात कही जाए। तो जिंदगी नाम मुझे लगता है इससे कृष्णा शोभती और अभी तो उनकी आत्मकथा भी आ गई है और बड़ी हो जाती हैं। मैं ये नहीं कह रही, तुलना नहीं कर रही हूँ, पर एक ऐसा मान के चलती हूँ कि दूसरों की बात करने वाली कथा ज़्यादा बड़ी है अपनी बात करने वाली कथा की तुलना में। अभी वैसे तो किसानों और ग्रामीणों की मार्फत बखान की गई पंजाब की धरती की कथा मानी जाती है, ये कुछ आख्यान भी कहा और कुछ लोगों ने इसको इतिहास भी बोला है, पर मुझे लगता है कि जिंदगी नामा उस तरह से इतिहास नहीं है, सिर्फ इतिहास इसको नहीं मान सकते हैं, हालांकि साहित्य में इस तरह के शब्द प्रयोग कर लिए जाते हैं और उनके अर्थ को थोड़ा विस्तृत करके लिया जाता है, संकुचित करके नहीं। तो जिंदगी नामा में खेत भी हैं, खलिहान है, पेड़ हैं, पानी है, गाँव है, गीत हैं, प्रेम है और संघर्ष भी है, जिसको पढ़ते हुए लगता है कि जैसे लोग इतिहास पढ़ रहे हैं। वो वैसा इतिहास नहीं जैसा इतिहासकार लिखते हैं, वो ऐसा इतिहास है जो दरअसल होता है। इस इतिहास में तथ्य बेशक कम हो, अगर आप इसका परीक्षण करने बैठ जाएं या इतिहास से तुलना करने बैठ जाएं तो हो सकता है आपको तथ्य थोड़े कम लगे, मगर पंजाब का वह समय
अपनी संपूर्ण संवेदनाओं के साथ मौजूद मिलेगा आप अगर इस उपन्यास को पढ़ते हैं। आप इसको फिक्शन की तरह ही ना पढ़ें, इसको नॉन फिक्शन की तरह पढ़ें तो आप इसको और समझ सकते हैं। मैं ये मान के नहीं चल रही हूँ कि आप लोगों ने नहीं पढ़ा है, पर मैंने जिंदगी नामा में 20वीं शताब्दी की शुरुआत से लेकर द्वितीय विश्व युद्ध के बीच के एकीकृत पंजाब यानी विभाजन के पूर्व के पंजाब के लोक जीवन को कथानक के रूप में बुना गया है और बहुत ही खूबसूरती से बुना गया है। इस उपन्यास की कथा किसी विशिष्ट पात्र के इर्द गिर्द नहीं घूमती। एक जो पात्र है शाहजी शाह ने जो जिक्र किया है वो बेशक बार बार आते हैं मगर वो उनके इर्द गिर्द कथा नहीं घूमती है। पात्रों की संख्या इतनी अधिक है कि आप जब 2-3 पेज पढ़ लेते हो तो कई बार आप भूल जाते हो। स्टार्टिंग में तो ऐसा ही होता है, अगर आप इसको कई बार पढ़ते हो तब आप इसको कुछ कुछ समझ पाते हो, तो भी पात्रों की पूरी संख्या या पात्र के नाम याद कर पाना बहुत मुश्किल होने लगता है। पर उन पात्रों के द्वारा बोले गए संवाद पाठक के जेहन में बने रहते हैं। आपको पात्रों के नाम याद नहीं आते पर उनके जो संवाद है वो आप नहीं भूलते। ये बहुत बड़ी बात है कि आपको संवाद याद, इतनी दिलचस्प संवाद है इसके कि पढ़ने में मजा भी आता है। अगर इनके इन पात्रों को बहुत ध्यान से देखें तो एक ऐसा एक एक जन एक बहुत बड़ा एक आवाम का रूप ले लेते हैं पात्र। इसलिए इस उपन्यास को मेरे हिसाब से एक ऐसा दस्तावेज भी मान सकते हैं, एक रिसर्च करने के लिए, जैसे जनवादी दस्तावेज भी कह सकते हैं। इस उपन्यास को आप पढ़ते हैं तो रेणु भी याद आते हैं, प्रेमचंद भी याद आते हैं। गोदान की तरह इसमें किसानों का दर्द है, संघर्ष है, शोषण है और मेला आचल की तरह लोक संस्कृति की मिठास। जिंदगी नामा उस समय की बात करता है जब हिंदू साहूकारों ने जमीनों पर कब्जा कर रखा था। ऐसा इस उपन्यास को पढ़ने में के बाद लगता है कि ज़्यादातर साहूकार हिंदू हैं और उनके खेतों पर काम करने वाले जो किसान, इनको खेतिहर वास्तविक किसान तो वही हैं, तो उनकी हालत मजदूरों की तरह होती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ज़्यादातर किसान या तो मुस्लिम हैं या सिख हैं, इसीलिए उपन्यास में उनकी साझा जो मुस्लिम और सिख हैं उनकी साझा संस्कृति देखने को मिलती है और लगता ही नहीं कि दो अलग अलग संस्कृतियाँ एक ही लगती है। आप पहचान नहीं पाओगे अगर ये हिंदू है ये मुस्लिम है या ये, इस तरह आप विभाजन नहीं कर पाओगे। जहाँ तक उपन्यास की शिल्प की बात होती है तो ये जरूर कहते हैं कि इसमें थोड़ा बिखराव मिलेगा आप जैसे और उपन्यासों में, एक एक वो अभी जैसे जिज्ञासा होती है अब क्या होगा अब क्या, इस तरह से इस उपन्यास में जिज्ञासा नहीं बन पाती और बिखराव भी है और थोड़ा दुरू तो है क्योंकि जो लोग पंजाब के नहीं है, जैसे मैं मध्य प्रदेश की हूँ तो मेरे लिए पंजाबी शब्दों को समझना बहुत मुश्किल है, तो मुझे लोक शब्दों को भी समझ पाना थोड़ा मुश्किल है। पर दृश्यों की निरंतरता और संवादों की लोकमयता पंजाब की एक मुकम्मल तस्वीर हमारे सामने बनाती जिसके आधार पर हम इसको आइडिया के समझ सकते हैं। आज आंचलिकता के उसी धूप ताप में पसीज उठते हैं जो डेरा जट्टी गांव की सासों को गर्माहट दे रहा है। इसमें जो गांव है और डेरा जट्टी नाम है उसका। भाषा और शब्दों की चयन की बात करूं तो इसमें कोई दो राय नहीं कि उर्दू और पंजाबियत का जो स्वाद इस उपन्यास में मिलता है वह अपने आप में अलहदा है। संवादों में रूट मनाई है, संवाद आप पढ़ेंगे तो जैसे टोका टाकी बहुत बीच बीच में टोका टाकी है, यह एहसास न भूल पाने वाला। असल में हम कह सकते हैं कि इस रचना के संवाद वर्तमान और अतीत की जुगलबंदी है। इस उपन्यास को पढ़ते हुए आप अतीत को भी देख सकते हैं और वर्तमान को भी देख सकते हैं। जो कभी सही होती है तो कभी गलत होती है, यह लय सत्ता और शोषक ताकतों के पैतरों से मंद पड़ती है लेकिन जीवन के उभार से बिछुड़ती नहीं। पूरे उपन्यास में लोक कथाएं हैं, मेरे उपासना जी ने भी लोक कथाओं का जिक्र किया, लोक गीत हैं बहुत सारे, कहावतें हैं और जो गांव में बच्चों के खेल होते हैं वो है, और तुकबंदियां हैं बच्चों की, शैतानियां तुकबंदियां। और एक तुकबंदी मुझे बहुत अच्छी लगी तो मैं उसको कहना चाहूँगी, ये जाति प्रथा पर एक व्यंग है तुकबंदी जैसा, जैसे ज्यों केले की पात पात में पात, ज्यों कवियों की बात बात में बात, अभी ऐसा हुआ था,
जो गधे की लात लात में लात और जो हिंदुओं की जात जात में जात। तो इस तरह की तुकबंदी ब्राह्मण पे और बहुत बहुत सारी इस तरह की अकड़म पकड़म इस तरह से भी बहुत कुछ है उपन्यास में। गांव का जो एक गांव का एक रूप होता है वो पूरा जीवंत हो जाता है कि गांव कैसा होगा। हालांकि अब ऐसे गांव देखने को बहुत कम मिलते हैं। यह उपन्यास आधुनिक समाज में स्थापित राजनीतिक और सामाजिक मान्यताओं पर भी सवाल खड़े करता है। वे सवाल हैं धर्म, सांप्रदायिकता और आर्थिक दुष्चक्रों से लोगों की जिंदगी को खूबसूरत जो सवाल जो धर्म और सांप्रदायिक आर्थिक दुष्चक्रों से लोगों की जिंदगी के रूफलेपन को नष्ट कर रहे हैं। वैसे सवाल जो लोगों आज जिस तरह से लोगों की जीवन की खूबसूरती नष्ट हो गई है, ये सवाल ये उपन्यास उन सवालों को भी रखता है। अपनी तमाम भावनाओं अपनी तमाम भावुकताओं और अच्छे प्रवेश से बेहद लगाव के साथ लेखक तत्कालीन समाज के संघर्ष को उभारते हैं। इस उपन्यास में आम जन की धूप छाई जिंदगी के उतार चढ़ाव में दबावों से मुक्त रहकर खूबसूरती और जिंदा दिली से जीने का पैगाम। इस उपन्यास के लगभग सभी पात्र जिंदा दिल हैं। इस उपन्यास के पढ़ने के उपरांत हम ये मान सकते हैं कि किसी भी क्षेत्र की भौगोलिक मैं चूंकि इसको मैं जरूर कहूंगी क्योंकि पंजाब का विभाजन हुआ बाद में। इस उपन्यास को आप पढ़ते हैं तो लगता है विभाजन कैसे हो गया पंजाब का। भौगोलिक राजनीतिक लकीरें भले ही बांट दिया जाए लेकिन रिश्तों और जज्बातों को रवायतों को मेल मिलाव मोहब्बत और तहजीब को बांट देना संभव नहीं। अगर कभी इस तरह का बंटवारा हो भी जाए तो वह झूठा और अधूरा ही होता है। ऊपरी तौर पर या मजबूरियों में भले ही लोग बंटवारे को स्वीकार कर लें लेकिन संवेदनाओं या अनुभूति के स्तर पर भी हमेशा जुड़े ही रहते हैं। असल में जिस बात या जिस धारणा को हम किसी पैमाने में फिट नहीं कर सकते उसे भला विभाजित कैसे किया जा सकता है, बांटा कैसे जा सकता है। तो मैं टाइम हो गया तो मैं खत्म कर रही हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मैं टाइम से ज़्यादा पढ़ूँ। और शुक्रिया। दरअसल किसी एक चीज़ पर बोलना कहीं ना कहीं हम सबकी बात को एक बनाना हो जाएगा, चाहे हमने 6-8 लोगों ने बोला हो लेकिन हम सबकी बात एक ही हो जाएगी वो। तो इसीलिए अब मैं नाम लेना चाहूँगी समर्थ वशिष्ठ जी का। धन्यवाद। तो जब ये आलेख मैं तैयार कर रहा था उससे अब तक यही फर्क है कि कृष्णासोप जी को ज्ञानपीठ मिल चुका है, तो इससे अब ज्ञानपीठ की विश्वसनीयता पर चाहे फर्क पड़े पर मुझे लगता है कि सोपती जी का लेखन जो है किसी भी पुरस्कार का मोहताज नहीं है। सो इतने विस्तृत केंद्र से कृति के बारे में बहुत सारी बातें कही जा चुकी हैं और बहुत कुछ नहीं बचा है मेरे पास, फिर भी कुछ बिंदु मैं सामने रखना चाहूँगा। निपट की भी कवि किस्म का आदमी हूँ तो 10 मिनट में लगता है मुझे बहुत ज़्यादा पढ़ेंगे, तो उसमें हम देखते हैं। साहित्य मैंने कभी भी विधिवत नहीं पढ़ा, फिर भी जिंदगी नामा से मेरे परिचय बहुत पहले हो गया था। माँ एम ए कर रही थी तो उनकी बिखरी किताबें अक्सर मैं कई दफ़ा छुप कर पढ़ा करता था, तो उसमें जिंदगी नामा भी थी तो बहुत पहले उससे परिचय हो गया था। और तो पहली बार कायदे से इससे गुजरते हुए मुझे पहले भाषा के स्तर पर ही उपन्यास बहुत आकर्षित करता है। तो पंजाबी सुनता बोलता मैं बड़ा हुआ तो इसमें प्रयुक्त बहुत से पंजाबी शब्द हैं उसमें मुझे कोई बाधा नहीं आई, मुझे कोई बहुत कठिन नहीं लगते, पर पंजाबी भाषा से इतना रापता ना रखने वाले लोगों के लिए हो सकता है ऐसा ना हो। भाषा के बारे कुछ बातें मैं और इस नोट में आगे कहूँगा, पर इतना ज़रूर है कि जो इस उपन्यास की भाषा है बहुत ठोस है, बहुत कठोर है, उसमें झरोके ढूंढने पड़ते हैं, खासतौर पे अगर आपकी पंजाबी पृष्ठभूमि नहीं है तो। इस उपन्यास के बारे में ये बात और ये संदर्भ कह देना सही लगता है कि इसमें दर्शाए गए जो पात्र हैं और जो काल है उसे गुजरे अब 100 से ऊपर साल हो चुके हैं। सो ये दूसरे विश्व युद्ध का नहीं है, ये पहले विश्व युद्ध या उससे पहले के काल का जो उपन्यास है वो उसमें समय दर्शाया गया है। तो जिस समय जिंदगी नामा स्थित है उस समय बंगाल का विभाजन हो चुका है, पंजाब अभी भी अविभाजित है, विराट है, और इतना विराट है कि काबुल भी एक बिल्कुल एक हाथ की दूरी पर रखता है। काबुल से आवाजाही लोगों की लगी रहती है उस गांव में जहाँ का ये उपन्यास है। और ये समीपता
भौगोलिक या तकनीकी से ज़्यादा राजनीतिक है। अगर हम देखें तकनीकी तौर पर तो हम जितने आज पास है उतने कभी भी नहीं थे, पर राजनीतिक समीपता है जो इस उपन्यास में झलकती है। और पंजाब के विभाजन के बाद, बंगाल के विभाजन के बाद पंजाब अविभाजित रहेगा या नहीं, ऐसी आशंकाएं भी इस उपन्यास में घुबरती सी नजर आती हैं दूरी पर। और बहुत सी अविश्वसनीय सी दूरी है, वो कोई कोई सामने नहीं है एकदम से। स्वराज और स्वतंत्रता ऐसे सरोकार हैं जो सांकेतिक स्तर पर मौजूद हैं पर बहुत मूर्त रूप में नहीं। सार्वभौम मुद्दे इस उपन्यास में पात्रों की पूरी एंसेंबल कास्ट है उसके जरिए व्यक्त होते हैं, और यही इस उपन्यास की खासियत है। कोई कथानक नहीं है, एक सोची समझी बिखराहट है जो इसे बोझिल नहीं होने देती। तो कथा से अलग मेरे लिए इस उपन्यास का दस्तावेजी कथा से अलग मेरे लिए इस उपन्यास का दस्तावेजी पक्ष बहुत महत्वपूर्ण है। सांझे पंजाब के गीतों लोकगीतों की बात मेरे साथियों ने भी कही, उसमें बड़ी शिद्दत से उन्हें संजोया गया है। और इसमें जो दर्ज पंजाबी भाषा है वो हमारी, अगर हम क्लीशे कहें तो, गंगा जमनी तहजीब का परिचय देती है। जैसे मुझे नहीं लगता कि जालिम तल्ख जैसा कोई प्रयोग हमारी आपकी पंजाबी में बचा है। और एक उदाहरण मैं बीच में लाऊंगा, मुझे बड़ा ज़रूरी लगा वो, सो ये इसमें से है। बेटे सोचकर बताओ, जब से मदरसे गए हो तुम्हें कितनी बार कुट पड़ी है। लाली ने उंगलियों पर गिनती कर डाली, चाचा साहिब मुझे 5 बार पड़ी है। एक बार मसाले वाली गुड़ चुगला रहा था, एक बार सकीना गा रहा था, एक बार मैं मोटे गुल्लू से छेड़छाड़ कर रहा था, एक बार मौलवी जी ठोंका लगा रहे थे और गुरदास भाई हाजत को गए, मुझे अपनी जगह बिठा गए। मौलवी जी ने पूछा तो मैंने फातिहा ख्याल को फातिहा खानी कह दिया और डाडी घुट पड़ी। सो ये दिलचस्प ठेठ पंजाबी संदर्भ है, पर भाषा तहजीब की दृष्टि से ये अब हमारे पंजाब में मुमकिन नहीं है। सो एक आस्था निष्पक्ष देश के लिए बहुत चिंता की बात है कि ये हम खो चुके हैं जो इस उपन्यास में पंजाबी है। मुझे लगता है वो पंजाबी मुझे नहीं मिली विरासत में। इससे अलहदा भी जिस तरह के आक्रामक पंजाबियत मीडिया और फिल्मों में हाल के दौर में परोसी गई है, मुझे लगता है उसका प्रभाव कम करने के लिए कृष्णा सोबती जी के सौम्य पंजाब का सामने आना बहुत जरूरी है। क्योंकि और अब इनको ज्ञानपीठ मिल गया है, मुझे लगता है लोग पढ़ेंगे। एक बड़ा इंटरेस्टिंग था कि जब ये ज्ञानपीठ मिला तो एक अखबार में मित्र है मेरे, उन्होंने कहा कि तुमने अभी हाल में जिंदगी नामा पढ़ा है तो उसके ऊपर लिख के भेजो। तो मैंने कुछ लिख के भेजा तो अल्टीमेटली उन्होंने कहा कि नहीं, ये हमारे पाठकों को समझ नहीं आएगा, हम मित्रों मरदानी का एक उदाहरण लेके उसके ऊपर लिख के भेज देंगे। सो मुझे लगता है कि पाठकों को भी ये अभी भी ये बहुत ठोस और बहुत 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 अग्राह्य लगता है ये जो उपन्यास है, तो वो बदलना चाहिए। और दस्तावेज स्तर पर ही रोजमर्रा के जीवन के छोटे छोटे वाक्य इस उपन्यास में हर और हैं जो मुझे बहुत आकर्षित करते हैं। मसलन जिंदगीनामा में कोर्ट कचहरी के कामकाज के सशक्त संदर्भ है और विधि कानून में दिलचस्पी मेरी है रही है। सो इन संदर्भों से जाहिर होता है कि 100 साल बाद भी हमारी न्यायिक प्रक्रिया जो है उसमें जो कुछ भी बदला है उससे ज्यादा वहीं ठहरा हुआ है। और सोबती जी की कानूनी प्रक्रिया पर गहरी पकड़ भी इन संदर्भों से साफ जाहिर है। जब मैं जिंदगी नामा दोबारा पढ़ रहा था तो अनुवाद से संबंधित कई प्रश्न मेरे मन में कौंधे। सो सिर्फ कुतूहलवश मैंने उसका अंग्रेजी अनुवाद अपने किंडल पे डाउनलोड किया और स्पीड रीड कर डाला। सो आंचलिकता में इतना गहराई तक डूबी जब कोई रचना होती है तो उसका अनुवाद 2 तरह से हो सकता है। तो कुछ आंचलिक संदर्भों को वैसे छोड़ दिया जाए या फिर उनके लिए अनुवाद में कोई विभाषा ढूंढी जाए, एक 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 मेटाफर या कोई एक खास तरह की भाषा उसके लिए ढूंढी जाए। तो जो अंग्रेजी अनुवाद मैंने पढ़ा उसमें बहुत से संदर्भों को वैसे ही छोड़ दिया गया और ये बताया भी गया कि इसको छोड़ा जा रहा है क्योंकि इसका अर्थ जो है वो संप्रेषण नहीं होता। तो इससे हालांकि मूल पाठ से समीपता बनी रहती है, फिर भी संप्रेषणीयता का प्रश्न तो आता ही है, वैसे जैसे किसी फ्रेंच उपन्यास के हिंदी अनुवाद में कुछ फ्रेंच शब्दों को वैसे छोड़ दिया जाए। तो मुझे लगता है कि जो दूसरा स्कूल है अनुवाद का जिसमें आंचलिकता को ढाला जाए तो उस तरफ से भी इसको इस उपन्यास की ओर बढ़ने की गुंजाइश है और यह मुमकिन है। ऐसा कुल मिलाकर इसे दोबारा गुजरना मेरे लिए अपनी जड़ों को कुछ समझने का बेहतर मौका रहा। और इतने वृहद कनवास की नामी कृति के बारे में बहुत कुछ कहना संभव नहीं है, पर इतना जरूर है कि ये जब छपा उससे बहुत पहले चन्ना नाम से शुरू हो चुका था ये उपन्यास, ये जिंदगी नामा नाम से शुरू नहीं हुआ।
इनफैक्ट 1952-53 में एक बार प्रेस में जाके इसको वापस लिया गया, उसके बाद दोबारा इसके ऊपर काम किया गया और 78-79 के पास दोबारा ये छप के सामने आया पाठकों के पास। और कुछ ट्रिविया भी जुड़े हैं इससे, जैसे जिंदगी नामा जो है वो एक कॉइनेज है, सो इट्स अ न्यू वर्ड, और ये बात साहित्य में नहीं है, ये एक कोर्ट केस में लिखा गया है, अमिता प्रीतम और कृष्णा सोपती का जो आपसी विवाद था उसमें इस बात पर दलील दी गई है कि ये शब्द जो है ये इसको कॉइन किया गया, तो इसको दोबारा किसी और उपन्यास के लिए यूज़ करना सही नहीं है। वो हालांकि उसका आउटकम जो भी रहा केस का, पर वो ट्रिविया भी मुझे इसके बारे में इंटरेस्टिंग लगा। तो कुल मिलाकर मेरे लिए अपने जड़ों से दोबारा जुड़ना हुआ ही, और इतना ही मार्च कहना चाहिए। क्योंकि इस सेशन में दो लोग नहीं है तो अशोक जी जल्दी से हो गया खत्म ही जी। जब मैं इसे पढ़ रही थी तो ऑब्वियस सी बात है कि हम भी बहुत सारे चरणों से होके गुजरते हैं। जिंदगी नामा कृष्णा सोपती जी का एक ऐसा उपन्यास मुझे लगा जिसमें जिंदगी के तमाम जो पृष्ठ होते हैं एक एक करके क्रम से खुलते जा रहे थे, जैसे किसी हम एक सुनिश्चित ऊंचाई से नीचे देखें और जो जीवन होता है अपने विराट पैमानों पर अपने संदेहों के साथ कम्युनिकेट संवाद करता हुआ नजर आता है। जीवन अगर एक नजरिया है तो उसे दृश्य में बांधने वाली एक दृष्टि जीवन के विकट अर्थों को तलाशती हुई एक शीतल किरण समान है, जहां हर नवीन मोड़ पूर्व के आभासों से हैरान होता है, जहां हर एक बात अपने समूचेपन में अपने गांव की गलियों लोगों उनमें हुई झगड़ों नाराजगियों उलाहनाओं और अपने खेतों की मिट्टी की सौंधी खुशबू में भरी हुई है, सराबोर है। देखा जाए तो जिंदगी नामा को कृष्णा सोपती जी ने जिस फलक पर रचा वो किसी भी कोण से स्वयं को ठेठ कस्बाई भाव भूमि से विलग नहीं होने देता। ऐसा प्रतीक्षण पढ़ते हुए ऐसा प्रतीक्षण महसूस होता है कि यहाँ पर जीवन नहीं बल्कि जीवन के विराट आयामों को विभिन्न दार्शनिक अनुभूतियों के स्पर्श से नवीन प्रतिमानों में अति मानवीय संवेदनाओं को रचा गया है। अब वो लगता है इस तरह से क्योंकि हम जब एक एक जिंदगी को पढ़ते हैं, इतने सारे लोग हैं, अभी जैसे आपने बोला किसी ने कि नाम नहीं याद रहते, दृश्य याद रहते हैं, संवाद याद रहते हैं और जो घटनाएं हुई वो याद रह जाती हैं। कुछ पात्रों पर केंद्रित होने के बरक्स यह उपन्यास संपूर्ण मानव समाज का प्रतिनिधित्व करता प्रतीत होता है। इस उपन्यास में कोई नायक नायिका नहीं बल्कि समूचा ग्रामीण जीवन और लोग अपने सुख अपने दुख के साथ बहते हुए नजर आते हैं, और इस तरह से भी वे सभी इस उपन्यास के नायक नायिका बन जाते हैं। जिंदगी नामा इस अर्थ में एक सूक्ष्म यथार्थवादी जीवन दर्शन का परिचायक है जिसकी कहानी रिश्ते नातों खेत खलिहानों गांव के रीति रिवाजों पकवानों और लोकगीतों से गुजरती हुई हर किरदार को छूती है और आगे बढ़ जाती है। मेरी नजर में एक विलक्षण थोड़ा मुश्किल है लेकिन विलक्षण भी है। इस विलक्षण उपन्यास का जब हम पढ़ने लगते हैं तो कुछ पंक्तियां आती हैं, मतलब जैसे ऐसा लगता है जैसे हम किसी काव्य धारा में प्रवेश कर रहे हैं, वहां डुबकी लगाएंगे लेकिन फिर मिलेगा बहुत गहरा कुछ। जब हम ये लाइंस इन पंक्तियों को पढ़ते हैं तो दरअसल ये एक परिचय है कि हम जिस परिवेश में जाने वाले हैं ये वो है, ये एक पूर्व तैयारी है। ये मैं वो लाइन सब नहीं पढ़ूंगी फिर थोड़ा लंबा हो जाए, थोड़ी सी ही लिखी है वैसे तो। गल पहियों सी उमड़ती मचलती दूर भरी छातियों सी चनाव और झेलम की धरती माँ बनी कुर्ते के बंद खोलती दूध की बूंदे धड़काने को, बहुत खूबसूरती से इसकी शुरुआत होती है
और ये जो प्रारंभिक पंक्तियां हैं एक विशुद्ध माहौल तैयार करती हैं ताकि जो पाठक हैं उन पात्रों से दूर नहीं बल्कि इतना करीब हो जाएं कि जैसे उनमें कभी कोई दूरी या फासला था भी नहीं। अब ये बात और है कि पंजाबी पृष्ठभूमि के जो लोग नहीं हैं वो धीरे 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 बढ़ेंगे इसमें, और जो लोग पंजाबी जानते हैं वो फौरन से कूद जाएंगे इस कुंड में। उपन्यास के ग्रामीण परिवेश में शामिल हुए बिना इसकी भाषा और भाषा के सामर्थ्य को ग्रहण नहीं किया जा सकता, और ना उसमें बहने वाली परंपराओं के सौंधेपन को उन्मुक्त खलाओं में देखा जा सकता है। उपन्यास में कृष्णा जी की नायिका है जहाँ एक तरफ परंपराओं का निर्वाह करती दिखाई देती है तो दूसरी तरफ वो अपने अस्तित्व की जो दीर्घ वृत्तियां हैं उनको शायस्तगी से एक्सेप्ट भी करती है। वो परंपराएं को तोड़ती भी है, उनका खंडन भी करती है। जैसे मेरी चाची का एक कथन होता है कि ये सवाल मेरे किस काम का, मैं तो तन मन से शाहों की हो चुकी, अब मेरा जीना मरना सब उसके संग है। और राबिया जब कहती, राबिया इनमें मुझे बहुत प्यारी लगी, जैसे शिव कुमार बटालवी का जो एक गाना है ना, क्या है बाबू जी, एक कुड़ी जेदा नाम मोहब्बत गुम है, तो मुझे राबिया को देख के वो गाना याद, राबिया को जब पढ़ती हूँ तो मुझे वो गाना याद आता है, बहुत स्वीट सी है, प्यारी सी है। राबिया का इन पात्रों के बीच होना उसके, और खास बात यह कि वो लिखती भी है, गुनगुनाती भी है। राबिया का इन पात्रों के बीच होना और उसके जो मीठे बोल होते हैं वो बहुत अच्छे लगते हैं, ऐसे लगता है जैसे कि कोई आनंद की फुहार जो है आपको भिगो रही है। एक बहाना सा बना देते हैं वो कि आप इन गीतों में जिंदगी को ढूंढ लें। जिंदगी नामा एक वैचारिक उपन्यास ही है जिसमें लोगों का लोगों के प्रति रवैया उनके आख्यान से, उनके कहन से, उनके कथन से अलग नहीं है। जहाँ लोक कथाएं सुनाकर बड़े बुजुर्ग अपनी आत्मीयता दिखाते हैं, जैसे लाला जी हैं, लाला जी का ये कथा सुनाना और शानों का भाई को गोद में लेकर कोठे कोठे जाकर जनानियों को बुलाना, ये मेरे नानी के गांव में भी होता था। लाला जी कहानी सुना रहे हैं, आ जाओ तू भी आ जा, तू भी आ जा, तू भी आ जा, ऐसे करके एक बैठक बना लेते हैं, फिर चाहे वो कहानियां झूठी हो सच्ची हो, लेकिन वो उन सबको इकट्ठा करना, उनके दुख सुख को सुनने का एक बहाना बन जाता है। उपन्यास में कृष्णा जी ने जीवन की कुरूपता, मानवीय संबंधों और मानवीय व्यवहार की असंख्य परतों का एक साथ विस्तार से वर्णन किया है। भारतीय जिंदगी नामा में भारतीय पारंपरिक ग्रामीण समाज है जो अपनी अपनी धरती, अपने खेत खलिहानों, रस्मों और लोकगीतों के मध्य खुद को टुकड़ों में तलाशता है। ये समाज अपनी आस्थाओं का निर्वाह भी करता है और आत्मपीड़ा में जूझता हुआ भी दिखाई देता है। एक सतत प्रयास में कृष्णा जी के जो पात्र हैं उस पीड़ा से मुक्ति की आस भी बनाए रखते हैं कि जो उन्हें सापेक्ष दृष्टिकोण देता है और जो उन्हें इस एहसास से कभी मुक्त नहीं होने देना चाहता कि वे भी कभी एक ऐसे मानसिक धरातल पर रहते हैं जिस पर वो अपने भविष्य के बारे में खुली आंखों से स्वप्न देख सकते हैं। फिर भी यहाँ स्त्रियां अपनी मजबूत उपस्थिति के साथ खड़ी हुई हैं, चाहे वो फुलकारी काट रही है, चाहे वो मीठे पकवान बना रही है, या फिर उन पकवानों के लिए जो है अपने पड़ोस में से इलायची बादाम लेकर आ रही हैं, लेकिन फिर भी स्ट्रांग है, इससे हम जज नहीं कर सकते। ये पंजाब का माहौल होता है, ये हर पात्र के भीतर अनकही एहसास और बातें कई बार मन के कोनों में अपनी जागीर बनाकर बैठे मिलते हैं और तो कभी अपनी आस्थाओं को पोषित करते हुए। लास्ट पैराग्राफ है ये, इसके बाद मैं इसको खत्म करूंगी। सबसे बड़ी बात जो है इस उपन्यास की जो मुझे लगी वो है भाषा। भाषा एक ऐसा तत्व है जो इसे बहुत खास बनाता है। पंजाबी भाषा के शब्दों को जिस संजीदगी से, संजीदगी हालांकि गालियां भी हैं इसमें पर मुझे अच्छी लगी है क्योंकि हम सुनते हैं और जिस सहज भाव से उन्होंने उपन्यास में आने दिया है और इस बात को बहुत दृढ़ता से जाहिर करता है कि भाषा कला का अनमोल हिस्सा होती है जो इसे सौंदर्यपूर्ण और यथार्थवादी बनाती है। ये शब्द पात्रों के मध्य अपनत्व की सीमा को मिटने नहीं देते और एक बड़े समाज को एक कुटुंब की भांति दिखाने में सक्षम होते हैं।
जैसे लाला जी जब प्यार से बुलाते हैं तो कहते हैं पुत्र जी ऐसे। पंजाबी फैमिलीज की एक खासियत है, इस तरह से धीये बुलाएंगे बेटी को। ये मुझ पर भी होना ही था। पाठक उन शब्दों के आसपास से अपना संसार बना लेते हैं और इस तरह से जिंदगी नामा जो है एक सर्वसाधारण की जिंदगी, सर्वसाधारण जो है वो अपनी जिंदगी से जूझते हुए लोगों की कहानी है और मेरे लिए एक विलक्षण कृति है। पंजाबी हमारी जो है लेखिका है उनकी है और मैं उनके स्वास्थ्य की, अच्छे स्वास्थ्य की कामना करती हूँ। वो अच्छी रहें और लिखती रहें, उनका मन हो तो हम पढ़ते रहें। थैंक यू। कुछ प्रश्न हो किसी के पास, टिप्पणियां हो तो माइक है वहां। मैं थोड़ा आपको कृष्णा जी के बारे में बताना चाहता हूं। जब ये उपन्यास निकला था तो हिंदी साहित्य जगत में इसको हिंदी उपन्यास मानने में बहुत संकोच और हिचक थी। असल में मैं आमतौर पे इस कार्यक्रम में श्रोता ही रहता हूँ, लेकिन जो कि कृष्णा जी का मामला है तो जब ये उपन्यास आया था तो कृष्णा जी के उस उपन्यास को हिंदी उपन्यास मानने में बहुत हिचक थी और बहुत इसको लेकर विवाद हुआ था, इसकी भाषा को लेकर कि ये तो हिंदी में है ही नहीं इत्यादि इत्यादि। जो दूसरा इसको लेकर एक कानूनी विवाद हुआ कि जिंदगी नामा उनका गढ़ा हुआ शब्द है, लेकिन अमृता प्रीतम जैसी पंजाबी की प्रसिद्ध लेखिका ने, जो मेरे हिसाब से कृष्णा सोबती से कहीं कमतर लेखिका हमेशा थी, हमेशा रहेंगी, लेकिन बहरहाल वो प्रसंग नहीं है, तो उन्होंने हरदत्त का जिंदगी नामा करके इसका इस्तेमाल किया, जिसको लेकर कृष्णा जी एक, उसमें मैं गवाह के तौर पे गया था। ये कोई 25 साल तो हो ही गए, तब मैं भोपाल में रहता था, तो लक्ष्मीवल सिंह भी उनकी तरफ से, यानी अमृता प्रीतम की तरफ से वकील थे, तो उन्होंने मुझसे कहा कि आप भी पूर्वग्रह पत्रिका निकालते हैं, तो पूर्वग्रह शब्द तो मैंने कहा जिंदगी नामा शब्द आप मुझे बता दीजिए किस कोश में है, और पूर्वग्रह शब्द तो है लेकिन कोई पूर्वग्रह नाम की पत्रिका नहीं निकाल सकता, उस पर हमारा कॉपीराइट है, लेकिन पूर्वग्रह शब्द का इस्तेमाल तो अज्ञेय से शुरू हुआ जिस अर्थ में हम लोग अब करते हैं, तो चला वो तो पूर्वग्रह शब्द है। बहरहाल जब हम लोग बाहर निकले अदालत से तो सिंघवी जी मेरे परिचित भी थे, उन्होंने कहा कि आप दोनों को बैठा के फैसला क्यों नहीं करा देते, खामोखा ये झगड़ा हो रहा है। तो खैर फिर आप जानते हैं कि झगड़ा होता रहा, चलता रहा, फिर उन्होंने जो प्रश्न उठाया था वो महत्वपूर्ण था कि क्या लेखक का अपनी पुस्तक के शीर्षक पर कॉपीराइट है कि नहीं है, क्या हेमलेट नाम से कोई और नाटक लिख सकता है। उस प्रश्न को अदालत ने मतलब धुंधला दिया, वो अपने लिए नहीं, ये हिंदी के क्या सारे लेखकों के लिए प्रश्न था जो उठा था। तो कृष्णा जी की विवाद से छुट्टी नहीं हुई, कानूनी विवाद से उन्होंने एक ट्रस्ट बनाया, वो ट्रस्ट उनके पति शिवनाथ और उन्होंने दोनों ने मिलकर बनाया था, उसमें शिवनाथ जी की मृत्यु के बाद 3 ही लोग बचे, अब वो ट्रस्ट डीड में लिखा हुआ है कि 4 लोग मिलके बोर्ड बनेगा और कम से कम 3 लोग जब हों तो वो उसकी बैठक हो सकती है, 3 है ही नहीं, 3 ही है लेकिन 4 नहीं है। तो कृष्णा जी ने, जैसा मैंने शुरू में बताया था, कुछ मित्र तब नहीं थे, मुझे बुलाकर कहा कि ये रजा फाउंडेशन इस ट्रस्ट को ले ले, तो चूंकि ट्रस्ट है, रजिस्टर्ड ट्रस्ट है, तो आपको अदालत से मंजूरी लेनी होती, तो पहले हाईकोर्ट गए, फिर हाईकोर्ट ने कहा, सुनने के बाद और विवाद खड़ा किया
दो बड़े महत्वपूर्ण और जिम्मेदार लोगों ने जो कृष्णा जी की बहुत निकट हैं, एक हैं अंतरादेव सेन जो लिटिल मैगजीन नाम की बहुत अच्छी पत्रिका का संपादन करती थी और संयोगवश अमृत सेन की बेटी हैं, और दूसरे हैं प्रतीक कंजी लाल जो इंडियन एक्सप्रेस में एडिटर हैं जो भी हैं, और वो चलता रहा जिसमें तमाम आरोप हम पर लगाए गए, वो ठीक है, आरोपों का हम 50 साल से सामना कर रहे हैं, उससे हमारा कुछ बिगड़ता नहीं, बहरहाल वो सब आरोप लगाए गए, ये लगाए गए। तो उसमें जो दिलचस्प बात है वो ये है, 1 करोड़ रुपए उन्होंने हमको दे दिया, तो उन्होंने कहा कि ये अशोक वाजपेयी ने तिकड़म करके 1 करोड़ रुपए ले लिया है, लला फाउंडेशन के पास 25 करोड़ रुपए हैं, तो हमको 1 करोड़ की ऐसी क्या लालसा है, उससे क्या होने वाला था, पर बहरहाल ये सब अलग बात है। कृष्णा जी ने मुक्ति बोध पर एक पुस्तक लिखी जिसका लोकार्पण हमने अभी 13 नवंबर को उनकी जन्मशती के दिन किया। मैं नहीं जानता कि किसी सृजनात्मक लेखक ने, किसी कथाकार ने किसी कवि पर एक पूरी पुस्तक लिखी हो इस उम्र में। अच्छा, कृष्णा जी बहुत कठिन महिला हैं, मुश्किल, वो अपनी किताब खारिज कर देती कि नहीं छपी ठीक नहीं है वगैरह वगैरह, उनके प्रकाशक बेचारे सुबह से शाम तक भागते रहते हैं, कृष्णा जी की किताब छापना आसान काम नहीं है। लेकिन कृष्णा जी ने जब हम लोगों ने पुरस्कार वापस किए और कुछ प्रतिरोध किया असहिष्णुता का, तो उन्होंने अपनी फेलोशिप जो कि सर्वोच्च सम्मान है वो छोड़ दिया, उनको पद्मभूषण मिल रहा था, उन्होंने मुझे फोन किया, उनको पता चला कि पद्मभूषण, क्योंकि गृह मंत्रालय से उनको फोन आया, मुझे फोन करके कहा कि मैं नाटक नहीं करना चाहती पर मैं ये पुरस्कार नहीं लूंगी तो आप किसी तरह से इसको रुकवा दीजिए। तो मैंने संस्कृति सचिव को फोन किया कि कृष्णा जी ये पुरस्कार नहीं लेंगी, और तो कहा साहब आप हमको लिख के भेजिए, हम ऐसे कैसे मान लें, क्योंकि उनका नाम तो है, फिर उन्होंने वो पुरस्कार नहीं लिया। तो कृष्णा जी बहुत, और उनके सारे आप अगर पढ़ें, ऐ लड़की की जो माँ है, मित्रों मरजानी की जो मित्रों है, और ये जो तमाम चरित्र हैं, ऐसे चरित्र किस और व्यक्ति ने बनाए जो, जिसको आप कहें कृष्णा जी ने हमेशा ही अनुपन्यास लिखा है, जो जो निर्धारित प्रतिमान हैं उपन्यास के वो उनके कभी नहीं रहे, उनका नायक नहीं होता, उनकी नायिका नहीं होती, उनका केंद्र नहीं होता। इसलिए कृष्णा सूक्ति पर जो अब जाके ज्ञानपीठ को सुध आई है वो बहुत विलंब से आई है, और उसमें भी हिचक थी, उनके मित्रों को भी हिचक थी कि कृष्णा जी इनकार कर देंगे, इन दिनों बीमार है, वरना वो आती, वो चल नहीं सकती हैं। कल मैं सुबह के सत्र में संभवतः होगा तो दोपहर के सत्र में अनुपस्थित रहूंगा, क्योंकि इस केस की कल फिर पेशी है। तो, लेकिन कृष्णा जी का को जानना, आपको याद होगा कि जब हमारे मित्र ओम थानवी जनसत्ता के संपादक थे तो कई बार वो सरकार पर और किसी घटना पर टिप्पणी करते हुए लिखती थी, और उनको हिंदी का ये अखबार सुर्खी की तरह छापता था। कृष्णा जी इस समय हिंदी की सबसे वरिष्ठ और सबसे वरेण्य और सबसे निडर लेखिका हैं, और हम सबका ये बहुत सौभाग्य है कि आज हमने उन पर बात की, और हमारा पहला मतलब एक सत्र उनके उपन्यास पर केंद्रित रहा, आप सबने उस पर विचार व्यक्त किया। आप किसी को कुछ कहना हो तो कहिए, अभी वैसे लंच की व्यवस्था है, कुछ अगर किसी को टिप्पणी हो जो इन्होंने कहा उस पर, मुझ पर नहीं। आप इन सभी से कोई प्रश्न हो, कोई टिप्पणी हो तो आमंत्रित हैं, नहीं तो अच्छी बात है ना।
आप ही पूछ लीजिए, शुरुआत आप ही कर दीजिए। मैम अभी आपने जैसे कि बोला कि अपने भी लिखना आसान होता है और सबके पूरे समाज पर लिखना काफी जटिल होता है, तो मुझे लगता है कि अपने अपने जीवन के पन्नों को खोलना ज्यादा मुश्किल होता है। दूसरों पर लिखना तो मुझे ऐसा लगता है कि हम बहुत इजीली लिख देते हैं, तो ये मतलब मुझे थोड़ा ऐसा लगा अपनी आत्मकथा लिखना, अपने विचारों को, अपनी अपने जीवन के निजी पन्नों को खोलना काफी जटिल क्रिया है। मैंने ये कहा था कि अपने पे लिखना इतनी बड़ी बात नहीं है जितनी दूसरों पे लिखना। दूसरों को मैंने उस तरह से नहीं कहा था, मैंने जैसे समाज को समझना, अपने लिए तो सभी जीते, दूसरे लोगों को समझना बहुत मुश्किल चीज है और सही तरीके से समझना। उन्होंने जिस तरीके से उस पूरे उपन्यास को लिखा है, लोगों को जिस तरीके से समझा है, वो अपने आप में बहुत विशिष्ट है, बहुत बहुत ऊपर बहुत बड़ी बात है। अपने पे अगर लिखने की बात की जाए तो यहाँ बैठे सभी लोग लिख सकते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि अपने जीवन के खतरनाक या अपने जीवन के उन चीजों को लिखो, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि अपने पे लिखना, अपने बारे में लिखना, पर दूसरों को समझना सब, और इस तरीके से समझना कि ऐसा लगे जैसे कि इतिहास ही लिख दिया हो, जैसे कि सच में ऐसा था, तो और भविष्य का भी एक पूरा प्रतिबिंब बना देना, या भविष्य का भी मैं सोचती ज्यादा हूँ, बोलने में तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो ये थोड़ा मुश्किल है। तो मैंने सिर्फ एक तुलना की थी कि उस लेखक वो होता है जो दूसरों के बारे में लिखता है, अपने बारे में डायरी लिखना बहुत सारी चीज, अपने बारे में लिखना इतना कठिन नहीं होता जितना वाकई दूसरों के बारे में लिखना। तो यही था। हम फिर भोजन के लिए चलते हैं, लेकिन एक अशोक जी ने मुक्तिबोध की किताब का जिक्र किया, एक छोटा सा वाक्य बताना चाहूंगा जो शायद आप लोगों को किसी को नहीं पता होगा। कृष्णा जी इस किताब को लेकर बहुत अधिक असंतुष्ट थी, किताब की छपाई को लेकर। मैं इसलिए बता सकता हूं क्योंकि मैं व्यक्तिगत रूप से मैंने उनकी इस पीड़ा को जाना है, देखा है, उन्होंने मुझसे कई बार चर्चा की थी कि उन्हें इसके पन्ने कुछ पन्ने फीके लग रहे थे। ये उनका, और कल्पना कीजिए 93 की होने वाली लेखिका एक किताब को इसलिए प्रकाशक से सारी प्रतियां उठा लेना चाहती है कि पन्नों में जान नहीं नजर आ रही है, कहां बैठी हुई है वो। तो अब हम लंच पर चलते हैं और अगला सत्र 2:30 बजे था लेकिन हम 2:15 बजे शुरू कर रहे हैं। इसमें है परांग मांदले, कबीर संजय, अमिताभ राय, बलराम कावट, मृत्युंजय प्रभाकर, आशीष पाठक और मोविन जी। 2:15 बजे कृपया आप सभी। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, कटौतियां, चुप्पियां, चतुराई और चालाकियां, इसके संयोजक जी हैं मृत्युंजय प्रभाकर। कृपया अपने प्रतिभागियों को बुलाएं और बड़ा अच्छा माहौल है, किसी को भी बहुत देर बर्दाश्त करने की जरूरत नहीं है। नाटक का आदमी हूँ, नाटक में रस का बड़ा महत्व है और भरत जब लिखते हैं नाटशास्त्र में रस का वर्णन भी करते हैं तो भोजन रस से ही उसका उसकी व्याख्या करते हैं, तो वो रस हम तमाम लोगों को प्राप्त हो चुका है। उम्मीद है हम लोग आनंद में अपनी बातें रखेंगे और आनंद से उनको सुनेंगे भी। ये जो सेशन है इसमें हमारे साथ पराग मांदले हैं, उनसे आग्रह है कि वो आ जाए। पराग, कबीर संजय, अमिताभ राय, मोविन जहरुद्दीन, बलराम कावट, आशीष पाठक, नहीं तो 10 मिनट बढ़ गए हमारे, 2-2 मिनट बढ़ा सकता हूं आपके। अच्छा, संकट यह है कि मैं अपनी बात पहले रख लूं या अंत में रखूं मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो लेकिन एक काम करूंगा, प्रस्तावना की तरह जो मूल बात है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के ऊपर, मैं एक प्रस्तावक के तौर पे उस बात को रख देता हूं, अपनी बात कंक्लूड करते हुए 2-4 पॉइंट पे रख दूंगा।
अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, कटौतियाँ, चुप्पियाँ, चतुराई और चालाकियाँ, ये विषय आयोजकों की तरफ से हम लोगों को दिया गया है। विषय बहुत अच्छा है, समीचीन है, क्योंकि हम जिस दौर में रह रहे हैं, जिस समय में रह रहे हैं, उससे रोज ब रोज इससे दो चार हो रहे हैं। बस इस पूरे विषय में एक शब्द मुझे खटका, उसकी कमी खटकी, वो था खतरा। क्योंकि अभिव्यक्ति की आज़ादी जो है उसके खतरे सबसे ज़्यादा हैं, और वो आज के दौर में तो, और ऐसे किसी भी दौर में, इतिहास में, किसी भी देश में, किसी भी समाज में, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जहाँ हासिल भी हो उसके खतरे और भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं, और उससे हम लोग गुजर भी रहे हैं। तो मैं अपनी तरफ से मान के चल रहा हूँ कि ये शब्द उसमें शामिल है और मैं उसको अलग नहीं मानता। दूसरी बात यह है कि अभिव्यक्ति की आज़ादी, जैसा कि संविधान में प्रदत्त हमें अधिकार भी है, लेकिन क्या संविधान में प्रदत्त अधिकारों से ही उसकी आज़ादी, उसका हक हम सब लोगों को हासिल है? क्या एक ऐसे देश में जहाँ 3000 या 5000 साल से एक खास तरह की सभ्यता का विकास हुआ है, जिसमें चंद लोगों को, चंद जातियों को, चंद वर्गों को बोलने की, सब कुछ करने की आज़ादी रही हो, और बहुतायत जो बहुलांश जनसंख्या है हमारे देश की, उनको न बोलने की, न सोचने की, न कुछ अपने तरीके से करने की आज़ादी दी गई हो, वैसे में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किन के लिए मायने रखती है? ये देखकर मुझे अफसोस हुआ कि इस पैनल में महिलाएं नहीं हैं। उनको होना चाहिए था, क्योंकि सबसे ज़्यादा अभिव्यक्ति की ज़रूरत, खतरे वो झेल रहे हैं और आज भी झेल रहे हैं, और शायद हमारा जो समाज है उन्हें आगे आने वाले वर्षों में भी झेलना पड़ेगा। मुझे नहीं पता इसमें हमारे पैनल में कोई दलित हैं या नहीं है, आदिवासी हैं या नहीं है। ये वो समाज है जो, जिनके ऊपर सबसे ज़्यादा खतरे हैं और अभिव्यक्ति की चुनौतियाँ भी उनके सामने हैं, उनको अभिव्यक्तियों का मौका भी उस तरीके से हमारे समाज में नहीं मिला है। तो मैं एक मोटा मोटी एक बात रख दे रहा हूँ प्रस्तावक के तौर पे कि क्या खतरे, क्या गुंजाइश, क्या चुनौतियाँ उनकी हैं। जहाँ तक चुप्पियों चालाकियों की बात है, ये हम लोग जानते हैं कि अभिव्यक्ति एक अर्जित मूल्य है जो संविधान द्वारा प्रदत्त भी है और हमें अर्जित भी करनी पड़ती है। अर्जित इस सेंस में कि हमें एक भाषा, किसी भी भाषा में अपनी बात रखने की जो श्रमसाध प्रक्रिया है उसको अर्जित करनी पड़ती है कि हम इस भाषा में अपनी बात रख सकते हैं। हमारे देश का जो बहुलांश तबका है वो अपनी बात ठीक ठीक रख पाने में भी अक्षम है, तो ये भी एक चुनौती है उनके सामने। और जो भाषा का, जो हमारे यहाँ जो ये है जाल है, अंग्रेजी में बोलने से बड़ा अच्छा माना जाता है या हिंदी, शुद्ध हिंदी में बोलने से अच्छा होगा, आप मैथिली में, मगही में और बज्जिका में और किसी और भाषा में बात करते हो तो आपको जो है लोक का और पिछली चेतना का या घोषित किया जाने का खतरा हमेशा बना रहता है। तो ये सारे संकट हैं। दूसरी बात है कि जो प्रभुत्व की बात मैं कर रहा था, हमारे देश में एक कहावत है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। मैं मानता हूँ कि जिसकी लाठी उसकी अभिव्यक्ति इस देश की हकीकत है। जिसके पास लाठी है, जिसके पास प्रभुत्व है, ताकत है, जो प्रभावशाली लोग हैं, उनको बोलने की आज़ादी हासिल है, वो बोलते हैं। और हम देख लें, बिहार में जब रणवीर सेना ब्रह्मेश्वर मुखिया की हत्या होती है तो रणवीर सेना को के लोगों को जिस तरीके से नंगा नाच करने की छूट दी जाती है पटना की सरजमीन पे, जिस तरीके से अभी करनी सेना के लोग नंगा नाच कर रहे हैं पूरे देश में, किन लोगों को व्यक्ति की स्वतंत्रता हासिल है इसी संविधान के तौर, किन लोगों को हासिल नहीं है? अगर यही काम कोई दलित चेतना का आदमी करे, ऊना में करे, कहीं और करे, तो उसके साथ जो होता है ये भी हमसे छुपा हुआ नहीं है। तो इसमें प्रभुत्व की ताकत की बहुत भरपूर गुंजाइश है हमारे समाज में, जो समाज ने बख्शी है कुछ लोगों को, और वो इसका भरपूर इस्तेमाल करते भी हैं। यही काम कोई दूसरे श्रेणी का आदमी करे तो उसे ठूस के जेल में रख दिया जाएगा और वो कई सालों तक जेल में सड़ता रहेगा। अपनी बात को थोड़ा सा सूत्र में पिरोते हुए, थ्योरिजेशन की तरफ बढ़ते हुए एक बात मैं कहना चाहूँगा। एक अमेरिकन ब्लैक इकोनॉमिस्ट, फिलोसोफर, सोशल एक्टिविस्ट हैं, थॉमस सोयल। उन्होंने एक किताब लिखी थी, एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ विजन्स। इस किताब में वो अपनी बात को ये कहते हैं कि इस देश में, पूरी दुनिया में दो तरह के लोग हैं जो किसी भी तरह के सत्ता से, संघर्ष से, भविष्य को लेके, समाज को लेके सोचने वाले लोग हैं, और वो खास तरीके से चीज़ों को देखते हैं। और यही कारण है कि मुद्दा दर मुद्दा, इशू दर इशू, वो दो लोग हमेशा अपने आप को दो अलग अलग ये पे पाते हैं, प्लेटफॉर्म पे पाते हैं। जैसे अगर कोई पुरातनपंथी है या पीछे की सोच वाला है जिसको हम लोग मानते हैं, और उसका, उसके भी प्रतिनिधित्व करने के संगठन है हमारे देश में, वो आदमी जिस स्तर पर रह के सोच रहा है वो हमेशा आपसे एक वैचारिक टकराव में रहेगा। इशू मुद्दे बदल जाएंगे लेकिन वो हमेशा पाएंगे कि वो आपके एक दुराव में है, आपसे लड़ने के लिए हमेशा तैयार बैठा मिलेगा। तो वो बोलते हैं ऐसा क्यों होता है, उसके वो दो चीज़ें बताते हैं उसके पृष्ठभूमि में। बोलते हैं कि दीज आर बिकॉज टू विजन्स, मतलब हिंदी में बोलना ज़्यादा अच्छा होगा, दो तरह की विचारधाराएँ हैं, विचार हैं
जिसकी वजह से ऐसा होता है। एक वो कहते हैं अनकंस्ट्रेंड विजन, जिसको वो कहते हैं कि एक तरीके के ऐसे लोग जो यूटोपिया में जीते हैं, इनको वो ऐसे समझे कि ऐसे लोग, इसका मतलब यह है कि दुनिया में कोई भी आदमी जो पैदा हुआ है वो अपने आप में सच्चा है, ईमानदार है, अच्छी सोच वाला है, नियत वाला है, लेकिन समाज उसको करप्ट कर देता है। ये ऐसे ये इस चीज में विश्वास रखने वाले लोग जो है उनको वो यूटोपियन व्यू वाले बताते हैं, अनकंस्ट्रेंड विजन वाले श्रेणी में रखते हैं, और वो मानते हैं कि दुनिया में हर कोई हर आदमी अच्छा है, अगर वो बुरा हुआ है तो समाज की प्रस्तुतियों ने, देश काल ने उसको बुरा बना दिया है। ये एक विजन की वो बात करते हैं जिसको वो यूटोपियन विजन कहते हैं, कहते हैं संभव ही नहीं है उनके अपने ये में परिप्रेक्ष्य में। और दूसरा वो कंस्ट्रेंड विजन की बात करते हैं, कंस्ट्रेंट विजन वाले लोगों में वो ऐसे लोगों को रखते हैं जो मानते हैं आदमी करप्ट पैदा ही हुआ है, वो ईर्ष्या स्वार्थ लोभ के ये में पैदा हुआ है और वैसे ही वो जिएगा। उससे ही उम्मीद करना कि अपने उद्देश्यों को, अपने स्वार्थ को पीछे रख के कोई बड़ा सामाजिक भूमिका वाला काम करेगा, ये अगर कोई उम्मीद करके आगे जीवन जी रहा है तो वो बेकार की बात कर रहा है। कोई भी व्यक्ति जो कहीं से भी किसी भी स्टेज पर खड़ा होकर अपना काम करेगा, पहले अपने स्वार्थों को अपने पास रखेगा, उसको लेकर ही आगे कोई बात करेगा। तो ये दो विजन की बात वो करते हैं और कहते हैं कि इसी की वजह से वैचारिक टकरार जो हम देखते हैं पूरी दुनिया में चल रही है, जो सिविलाइजेशन टकराते हैं, जो हमारे समाज में, हमारे मोहल्ले में, हमारे फेसबुक पे जगह जगह टकराते हम लोग को देखने में आ रही है, वो सब इन्हीं दो विजन की वजह से आ रही है। तो खैर, मैंने अपनी प्रस्तावना में मैंने ये बातें रख दी, मैंने सोचा कि ये जरूरी है अपनी बात रख दूं, और अब मैं आमंत्रित करता हूं पराग साहब को कि वो आए अपनी बात। नमस्कार। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, तीन चार जो उसके साथ में और शब्द हैं, कटौतियाँ, चुनौतियाँ, चुप्पियाँ, चालाकियाँ, चतुराई, जो भी हैं, बड़ा विषय है और बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसा संभव होगा अपनी बात कहने की कोशिश करूँगा। अच्छा सत्र है और धन्यवाद पहले के सत्रों का, क्योंकि मुझे जो बात कहनी थी, या मैं बहुत संकोच में था कि कहाँ से बात शुरू करूं, और मुझे यहीं एक वो मिला, उसका नमूना मिला। ये जो पूरा आयोजन है, ये निश्चित रूप से कोई वाद विवाद नहीं थे, इसकी वैसी संरचना नहीं है कि यहाँ वाद विवाद हो। यहाँ पे हमने जिन किताबों को दिया गया है जो इससे पहले के विषय थे, उनको हम अपनी दृष्टि से कैसे देखते हैं, अपने अनुभव से कैसे देखते हैं, हमको अपनी बात रखनी है, और निश्चित रूप से वो हम अभिव्यक्त कर रहे हैं खुद को, और हमको इसकी स्वतंत्रता है। लेकिन दिक्कत क्या है कि एक व्यक्ति अपनी बात अभी खत्म की है उसने, और तुरंत उसे खारिज करने की जो हड़बड़ी है वो सामने आ जाती है। यहां ये किसी ने आपसे ये उम्मीद नहीं की गई है, ये उसका मंच भी नहीं था, और यही हो रहा है। ये पिछले कुछ सालों में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का झंडा लेके जो भी लोग खड़े हो रहे हैं, मैं उनके नियत पे शक नहीं कर रहा, लेकिन क्या वो कभी ये आत्म मंथन करते हैं, कभी आत्मावलोकन करते हैं कि जिस चीज के ऊपर वो विरोध कर रहे हैं, दरअसल वो भी वही कर रहे हैं। हमारे देश की परंपरा में एक छोटा सा सूत्र है, हो सकता है क्योंकि जिस अब तो पुरानी चीजों को लेके बड़ी आक्रामकता है और हम सब कुछ खारिज कर देना चाहते हैं, पुराना अपना, हम अपनी सारी जड़ों को खारिज करके पता नहीं किसी गमले में सिर्फ तने के सहारे खड़े होना चाहते हैं, और ये उम्मीद करते हैं कि हम फलेंगे और फूलेंगे, पत्तियां और फूल और फल उसमें से पैदा करेंगे। तो मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना एक शब्द है,
जितने व्यक्ति हैं वो सब अलग हैं अपने आप में, बावजूद इसके कि हम सब एक वैश्विक चेतना से जुड़े हुए हैं, उस एक वैश्विक चेतना का अंश है, लेकिन उसके बावजूद हम सब अपने आप में एक स्वतंत्र हैं, एक स्वतंत्र इकाई है। हमारे अपने अनुभव, हमारे अपने संस्कार, हमारे अपने विचार, हमारी अपनी सोच हमारा निर्माण करती है। हम अपनी भाषा चुनते हैं और खुद को अभिव्यक्त करते हैं, और जरूरी नहीं है कि हम जो व्यक्त कर रहे हैं वो किसी के खिलाफ ही हो। मुझे एक कहानी बहुत प्रसिद्ध है, आप सब लोग जानते हैं कि अंधे, कुछ अंधे और एक हाथी की वो कहानी है कि हाथी को देख रहे हैं अंधे, छू छू के देख रहे हैं, और जिसके हाथ में जो अंग है, जो जहां खड़ा है, वो हाथी का वैसा वर्णन कर रहा है, और वो ये सोच रहा है कि मैं हाथी को जानता हूं, मैंने हाथी को जान लिया है, मैंने हाथी को समझ लिया है। एक्चुअली वो बहुत व्यापक वो है। मैं अगर उसके बारे में विचार करूं, हमारा ये जो छोटा सा ग्रह है पृथ्वी, जिसका केंद्र सूर्य है और उसका व्यास जो है, हम सूर्य को ही कल्पना करने जाएं तो 108 पृथ्वियां जब इकट्ठी की जाएं तो सूर्य का व्यास होता है। वो एक छोटी सी हमारी सौर मंडल का ये हम भाग है। हमारा सौर मंडल एक ऐसी आकाश गंगा का भाग है जिसमें ऐसे लाखों सौर मंडल है, और हमारी आकाश गंगा उस ब्रह्मांड का भाग है जिसमें ऐसे लाखों आकाश गंगाएं हैं, और उसमें हम हैं। पृथ्वी इतनी सी है, एक तिनके के बराबर, और उसमें हमारा क्या व्यक्तित्व है, 6-7 अरब लोग जनसंख्या है मनुष्य की, और जबकि मनुष्य जो है यहां पे जो जीव है उनका एक छोटा सा भी हिस्सा नहीं है वो, और हम ये सोच रहे हैं कि हमने सब कुछ जान लिया है, और हम उतनी पूरी ताकत के साथ में हम ये मनवाना चाहते हैं कि हम जो बोल रहे हैं बस वही सही है और बाकी सब गलत है, बाकी सब झूठ है। वो हाथी का पांव, हाथी का पूंछ, हाथी की सूंड, ये तो बहुत बड़ी बात है, उस हाथी का एक रोम को भी हम छू नहीं पा रहे हैं, देख नहीं पा रहे हैं, जान नहीं पा रहे हैं, और हम इस भ्रम में बैठे हुए हैं कि हमने सब कुछ जान लिया है। तो ये जो खारिज करने की जिद है, ये जो नकारने की जिद है, आप सत्य तक नहीं पहुंच पाते, बावजूद इसके कि विश्व में एक सार्वभौम सत्य है, इसके बावजूद हर व्यक्ति और हर परिस्थिति का अपना एक सच होता है जिसको आप खारिज नहीं कर सकते। मैं अगर बीकानेर में रहता हूं तो वहां पे गर्म कपड़े पहन के घूमूंगा नहीं, तो वहां पे सूती कपड़े, कुर्ता पजामा पहन के घूमना वो मेरा सच है, उस मेरी परिस्थिति का सच है। और अगर मैं ये उम्मीद करूं कि मेरे उस सच को लेह में रहने वाला एक व्यक्ति जो -20 डिग्री में जीता हो वो भी उसको ऐसा ही सच माने और वो भी मेरे जैसे ही कपड़े पहने, तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं उससे मर जाने की उम्मीद कर रहा हूं। और ये हम बड़ी विचारधारा के नाम पे, पता नहीं किस किस चीज के नाम पे बड़े आग्रही हो जाते हैं। मुझे याद आता है, प्लीज जब समय हो जाए तो मुझे बता दीजिएगा। हाँ, वैसे तो 2 घंटे हैं और हम 6 वक्ता हैं, तो 20 मिनट भी बोला जा सकता है। तो, हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, ठीक है। तो मेरा एक बार फेसबुक, क्योंकि मैं बहुत संकोची व्यक्ति हूं तो बहुत मिलना जुलना होता नहीं है, फेसबुक बहुत अच्छा माध्यम है जिसकी वजह से बहुत सारी चीज़ों का आदान प्रदान होता है, और एक बार मेरी किसी से बात हो रही थी और मेरा ये एक मानना था कि हमको किसी भी रंग के चश्मे की ज़रूरत नहीं है, ना हमको भगवा रंग के चश्मे की ज़रूरत है, ना हमको हरे रंग के चश्मे की ज़रूरत है, ना हमको नीले रंग के चश्मे की ज़रूरत है,
और न हमको लाल रंग के चश्मे की जरूरत है, क्योंकि जब भी हम किसी भी रंग का चश्मा लगा के देखेंगे चीजों को तो हम सच को नहीं देखेंगे, हम वास्तविकता को नहीं देखेंगे। तो मेरे एक मित्र हैं और उनका यह तर्क था कि चश्मा जो है मुझे साफ देखने का अवसर उपलब्ध करा रहा है। अच्छा तर्क था, हाँ, अच्छा तर्क था। और मैं उस समय ट्यूबलाइट जैसा इंसान हूं तो मैं जल्दी से जवाब नहीं दे पाया, लेकिन बाद में जब मैंने सोचा तो मैंने यह सोचा कि चश्मे की जरूरत, वो रंग का ना भी हो तो चश्मे की जरूरत उसको पड़ती है जिसको दृष्टि दोष होता है। अगर मेरी दृष्टि साफ है तो मुझे ना तो किसी रंग के चश्मे की जरूरत है और ना वो क्लियर चश्मे की जरूरत है। अब सवाल यह है कि निश्चित रूप से इसमें कोई शक नहीं है, मेरी बातों से कोई ये ना समझ ले कि आज अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए बहुत जो है हम नंदन वन में रह रहे हैं, स्वर्ग में रह रहे हैं, बिल्कुल नहीं है। यह बहुत खतरनाक समय है और यह बहुत खतरनाक समय इसलिए है क्योंकि बहुत चालाकी के साथ में इस पूरी वैचारिकी को दो ध्रुवों में बांट देने की कोशिश हो रही है। आप या तो संघी हैं और या वामपंथी हैं। और जैसा गीत भाई कह रहे थे कि रास्ता बीच में होता है, अब आप खारिज कीजिए जिस भी ढंग से करना है। हम सब लोग जो है ना शब्दों की बाजीगरी सभी लोग करते हैं, लेकिन ये दो ध्रुवों की दुनिया नहीं है। कितनी विविधता है। और हम अब एक छोटा सा और ये बात है कि विज्ञान विज्ञान हम इस चीज को कहते हैं, गीत भाई की ही बातों में यह चीज आई है कि विज्ञान क्या करता है, एक मान्यता रखता है और हम अंधविश्वास करते हैं। हम धर्म के नाम पे या अपनी पुरानी परंपराओं के अंधविश्वासों की आलोचना करते हैं, लेकिन विज्ञान के नाम पे हम जो अंधविश्वास कर रहे हैं उनके तरफ हम ये चालाकी करते हैं, हम ये चतुराई करते हैं कि तब बोलते नहीं है। जब आप एक डॉक्टर के पास में जाते हैं आप पूरी तरह से उसके ऊपर अंधविश्वास करते हैं, आपको नहीं पता होता है कि उसको क्या पता है, वो जो दवाई दे रहा है वो आपके मर्ज को भी ठीक ढंग से समझ रहा है या नहीं समझ रहा है, जो दवाई दे रहा है वो आपके फायदे की होगी या नहीं होगी, हम उस पर अंधविश्वास करते हैं। और ये पूरा विज्ञान जो हमारे सामने आज दिख रहा है वो भी पूरी तरह से अंधविश्वास पे आधारित है, हमको कहीं ना कहीं विश्वास करना होता है। तो बात सिर्फ आखिर में एक छोटी सी बात यह है कि यह दुनिया, अगर हम विज्ञान को मानते हैं तो बहुत आगे बढ़ चुके हैं, जहां पे 4D 5D का तकनीक जो है सामने आ चुका है। तो हम जब अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करते हैं तो इस पूरी दुनिया को 2D में देखने की कोशिश ना करें, वो आग्रह ना रखें। ये पुरानी हो गई है तकनीक। हाँ बस एक मिनट आखिर का छोटा सा एक चालाकी का उदाहरण देके मैं अपनी बात खत्म करना चाहूंगा। कार्ल मार्क्स का एक वाक्य जो है धर्म को पूरी तरह से खारिज कर देने के लिए, मैं भी धर्म में बहुत ज्यादा हूं, धर्म का जो आज स्वरूप जो भी आज के लोग दिखाने की कोशिश कर रहे हैं मैं उसमें विश्वास नहीं रखता, लेकिन कार्ल मार्क्स का एक बहुत प्रसिद्ध वाक्य है कि धर्म जो है जनता की अफीम है। धर्म को खारिज करने के लिए किस चतुराई के साथ में इस वाक्य का प्रयोग किया जाता है, यह एक बड़ा लेख है, मैं सिर्फ उसका एक पैरा पढ़ रहा हूं जिसका यह आखिरी वाक्य है। धर्म उत्पीड़ित प्राणी का उच्छ्वास है, एक हृदय विहीन दुनिया का हृदय है, आत्महीनों की आत्मा है, यह जनता की अफीम है। तो अगर हमको समझना है तो समग्रता में देखना होगा, हम स्वीकार का भाव रखें तो निश्चित रूप से कहीं हम पहुंच पाएंगे, थोड़ा सा जान पाएंगे इस विराट ब्रह्मांड के अपनी औकात के हिसाब से एक छोटे से सत्य को, वरना शब्दों का खेल है, खेलते रहिए, लड़ते रहिए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद प्रहार।
अब मैं आमंत्रित करता हूँ कबीर संजय जी को, वो आए अपनी बात रखें। एज ए फेलो पैनलिस्ट मैं किसी पे कोई टिप्पणी करने से बचूंगा। पराग भाई ने बड़े पुरजोर तरीके से अपनी बातें रखी है, हम लोगों ने सुनी भी और थोड़ा सा दृष्टिदोष है मेरे अंदर भी, क्योंकि बिना इसके देख नहीं पा रहा हूँ मैं तो तो हो सकता है कि उस दृष्टि का जो दोष है वो कुछ थोड़ा सामने आए, कुछ थोड़ा मैं भी अपनी बात जो दृष्टि दोष है मेरे अंदर उसके साथ रखने की कोशिश करूँगा। पराग भाई ने एक बात बहुत अच्छे से कही है और मतलब इस बहस में ये कोई बहस नहीं है, लेकिन उनसे जोड़ते हुए मैं अपनी बात कह रहा हूँ कि ये दुनिया को दो उसमें बांट देने की एक कोशिश हो रही है कि आप या तो इधर हैं या तो इधर हैं, या तो आप संजय लीला भंसाली के साथ हैं और अगर नहीं है तो आप जो है वो किसी और के साथ हैं। तो ये बात एकदम सही है, जैसे संजय लीला भंसाली के साथ एकदम मैं नहीं होते हुए भी मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ कि जब इस देश में ये कह के कि सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है और सिगरेट बेच दी जाती है, तो वो फिल्म ये कह के क्यों नहीं किसी को देखने दी जाती कि अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो देख लीजिए, ना देखना चाहते तो ना देख लीजिए। बस ये एक सिंपल बहुत साधारण सी बात है, जब जिसको सभी लोग जानते हैं कि ये जो है स्वास्थ्य के लिए हानिकारक वो भी बिकती है। दूसरा ये वही चिंताएं हैं जो मतलब जिससे मैं रोज रूबरू होता हूँ, मुझे खुद भी ये चीज़ें परेशान करती हैं। मैं सोचता हूँ कि अगर रविन्द्रनाथ टैगोर होते, गुरुदेव अगर होते और आज उनको ये पता चलता कि फिल्मों में कोई फिल्म जब थिएटर में दिखाई जाती है उससे पहले वो उनका गाना जो है वो गाया जाना ज़रूरी है और जो उसको गाए जाते वक्त खड़ा नहीं होगा उसकी पैर तोड़ दिया जाएगा, उसकी टांग तोड़ दी जाएगी। गुरुदेव को ये बात पसंद आती है या वो इस बात से परेशान हो जाते या अपना माथा फोड़ लेते कि क्या करते? एक इतना मतलब इतना ह्यूमन किस्म का मानवीय संवेदनाओं को इतना अच्छे से समझने वाला उसके गीत को ना गाने पे उस पर खड़े ना होने वाले की टांगें तोड़ी, और ये भी नहीं देखा जाएगा कि वो आदमी चलने में सक्षम है या नहीं है या वो पैर पे खड़ा होने लायक है या नहीं है और उसका पैर तोड़ दिया जाएगा। एक ऐसे समाज में हम रह रहे हैं और यहाँ पे मुझे जो विषय मिला है व्यक्ति की स्वतंत्रता, कटौतियाँ, चुप्पियाँ, चतुराई और चालाकियाँ, मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा अच्छा विषय यहाँ पे चर्चा के लिए कोई और नहीं हो सकता है और मुझे इस विषय में बोलने का मौका मिला है। और लेकिन इसके साथ साथ मैं एक बात और भी मैं सोचता हूँ कि इस विषय पे मैं नया क्या बोलूँगा, क्योंकि जो कुछ भी बोलने के लिए है इस पे वो सब कुछ मतलब शीशे की तरह साफ है। हमसे पहले अशोक जी ने जब इस प्रोग्राम की शुरुआत की थी तो उन्होंने बहुत सारी बातें कही थी, उसमें मुझे बड़ी अच्छी लगी। उन्होंने कहा कि ये जो कुछ है हमारे पास ये हमारा अर्जित किया हुआ नहीं है, ये हमारे हमसे पहले वाली पीढ़ी ने अर्जित किया हुआ है और हम उसका उपभोग कर रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं, उसमें रह रहे हैं, जी रहे हैं, सांस ले रहे हैं। हमारे ऊपर अगर कोई चीज़ किसी चीज़ का इल्ज़ाम लगेगा तो वो इसको गंवाने का इल्ज़ाम लगेगा। और इसीलिए जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है अभी भी हम लोगों को जो कुछ भी मिली है, जितनी भी मिली है, ये हमारा खुद का अर्जित किया हुआ नहीं है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और इसको कैसे मैं समझता हूँ, इसमें मैं एक छोटा सा मैंने लिखा हुआ एक वक्तव्य उसमें पुस्तिका में भी है तो वही मैं पढ़ दे रहा हूँ। निश्चित तौर पर आज़ादी कोई अमूर्त चीज़ नहीं है। आज़ादी वो वातावरण है जिसमें हम जीते हैं, सांस लेते हैं। कभी यह हमारी आज़ादी सीमित होती है तो हमारी सांसें घुटने लगती हैं, कभी हम अपनी आज़ादी के विस्तार के लिए छटपटाते हैं तो कभी पहले से पाई गई आज़ादी को बचाने के लिए इंच इंच संघर्ष करते हैं। आज़ादी के तमाम रूप हैं, इसमें एक रचनाकार के लिए अभिव्यक्ति की आज़ादी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जो कुछ वह समझता है इस दुनिया को जैसे वह देखता है उसे कह सके, बोलने की उसे आज़ादी हो, बिना इस बात की परवाह किए कि अपने कहे गए शब्दों के लिए उसे किसी भीड़ के न्याय का शिकार होना पड़ेगा या फिर सत्ता उसे उठाकर हाशिए पर फेंक देगी। खासतौर पर पिछले कुछ सालों में कहने, सुनने, बोलने, लिखने की आज़ादी को दबाने की तमाम साजिशें पूरे जोर शोर से चलती दिख रही हैं। कट्टरपंथी गुंडों की गोलियों का शिकार बनी गौरी लंकेश से लेकर कलबुर्गी और गोविंद पंसारे जैसे तमाम लोगों ने अपनी बात कहने की कीमत जान देकर चुकाई है। ये वो शब्द हैं, वो शब्द जो उन्होंने कहे उसके लिए उनको गोलियों का शिकार होना पड़ा। जबकि कांचा इलैया जैसे लेखक खुद को अपने घर में बंद करके इसका सामना करने को मजबूर हुए हैं। क्या हमारी कल्पना में कभी ऐसा समाज था
जहां पर बात जबान से निकली भर नहीं कि ट्विटर जैसे सोशल माध्यमों पर गालियां देने से लेकर जान से मारने की धमकियां देने वालों की पूरी एक भीड़ खड़ी हो जाएगी। कौन है ये लोग? ये खुले हम किसी को जान से मारने की धमकियां देते हैं, किसी के मारे जाने पर खुशी मनाते हैं, उसकी हत्या को जायज ठहराते हैं, इन पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं होती? क्या सत्ता की मौन सहमति के बगैर ऐसा होना संभव है? क्या विचार और तर्क का जवाब किसी खौफनाक हथियार से निकली गोलियां हैं? युवा 2017 ने मुझे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अपने विचार रखने का मौका दिया, या मेरे लिए एक बड़ा अवसर है? मैं बार बार सोचता हूं कि मेरे लिए इस सवाल का मतलब क्या है, मैंने आखिर ये कलम क्यों पकड़ी है? मेरे लिए तो यह उत्पीड़ित का साथ देने का तरीका भर है, और यहां पर कोई टूटी नहीं है मेरे लिए, मेरे लिए सिर्फ एक रास्ता है। मैं कोई तटस्थ व्यक्ति नहीं हूं जो उत्पीड़न करने वाले और उत्पीड़न सहने वाले को एक ही निगाह से देखता है। जी नहीं, मेरी राय से यह ठीक नहीं है। मैं तो अपनी कलम से उत्पीड़न करने वाले की जड़ पूरे जी जान से खोदना चाहता हूं। इसमें खतरे हैं, इसी के चलते बहुत सारे लेखकों की समझदारी भरी चुप्पियां भी सामने दिखती हैं। कहीं पर चतुराई भरे समझौते हैं, चापलूसियों के बदले सत्ता से अपने लिए कोई बड़ा टुकड़ा हथियाने की भी चालाकियां हैं। कवि मुक्तिबोध की पंक्तियां हैं कि अब अभिव्यक्ति के सारे खतरे उठाने ही होंगे, तोड़ने होंगे ही मठ और गढ़ सब। जी हाँ, अपनी बात कहने के खतरे तो हैं, लेकिन मेरे ख्याल से जब हम यह कहना बंद कर देते हैं तो हमारी कलम भी मरने लगती है। इसलिए रचनाकार के लिए अभिव्यक्ति की आज़ादी का सवाल सच कहने और अपनी कलम को जिंदा रखने के सवाल का सवाल भी है। यह सवाल रचनाकारों के लिए आज और ज़्यादा महत्वपूर्ण इसलिए बन गया है क्योंकि लोगों तक सूचनाएँ पहुँचाने वाले तमाम माध्यम झूठ का मुलम्मा चढ़ाने पर जुटे हुए हैं, इसलिए लिखने बोलने वालों की जिम्मेदारी कई गुना बढ़ गई है। धन्यवाद। नहीं, मैं क्रम से ही बुलाना चाहता था, लेकिन अमिताभ जी अगर मेरी बात रखने के लिए उत्सुक हैं तो उनको जरूर आना चाहिए। हाँ, इसलिए गड़बड़ी दे गया। उठने की गड़बड़ी पिछले युवा 2016 के याद के कारण हो गई। वो एक बार ही क्रम बता दिया गया था और सब अपनी अपनी बारी से आके इस बार नाम पुकारा जा रहा है। ये खैर, दृष्टि दोष तो मुझमें भी है, लेकिन चश्मे का रंग कोई नहीं है, वो बस एक शारीरिक अक्षमता है। और अगर विनोद जी का रेफरेंस था तो टिप्पणियां मांगी गई थी, तब उन्होंने टिप्पणी दी थी, ऐसे हड़बड़ाहट में उठकर उन्होंने कोई बात नहीं कही थी। वो उसको भी उसी भाव से स्वीकार किया जाना चाहिए कि उन्होंने भी अपनी बात रखी टिप्पणियां आमंत्रण के बाद। और ये बात पराग जी ने, और इस विषय के साथ एक बुनियादी समस्या है कि इस पे नया क्या बोला जाए, जो संजय जी ने बोला, और जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे आगे आने वाले वक्ताओं के लिए मुश्किल और बढ़ती जाएगी। नहीं नहीं, तो जानने का कोई निश्चित तरीका नहीं होता है, वो चाहे मतलब कोई नकार से सीख रहा हो तो, चाहे स्वीकार से सीख रहा हो। हमारे परंपरा में नेति नेति कह के भी किसी ने कुछ सीखा है, मरा मरा कह जनश्रुति है, मरा मरा कहते कहते राम का मर्म जान गए वाल्मीकि। तो कोई भी एक निश्चित तरीका नहीं होता है। जो सर इस विषय पर बुनियादी रूप से ये विषय बड़ा है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, कटौतियाँ, चुप्पियाँ, चतुराइयाँ, चालाकियाँ, लेकिन मैं सिर्फ कटौतियों पर बात करूँगा, मैं अपनी बात और विषयों पर तक नहीं ले जाऊँगा। ये जब इस मेरे पास जो अशोक जी की तरफ से आमंत्रण आया था उसमें लिख कर देने के लिए दिया गया था, तो इसमें मैंने काफ़ी सारी बातें कह ली जो अभी कही गई है, उसमें बहुत सारी बात रिपीट भी होगी। इसमें जो शब्द सब हैं उनको मैं शब्द नहीं पद कहूँगा, क्योंकि अगर वो पद है तो जीवन की क्रियाशीलता से उसका संबंध है। वो अगर वो शब्द है तो शब्दकोश में अर्थ होता है, और अर्थ की व्याप्ति नहीं होती है, अर्थ स्थिर हो जाता है।
इस विषय पर मैं बुनियादी रूप से तीन बातें कहना चाहता हूँ। एक तो कि राजनीति से इसका सीधा संबंध है, प्रत्यक्ष संबंध है, वो रहेगा ही। अभिव्यक्ति चूंकि हमको संविधान द्वारा मिली है और हमने आज़ादी की लड़ाई के बाद से, लड़ाइयों की लंबी श्रृंखला के बाद इसको अर्जित किया है या अर्जित करने की प्रक्रिया में ही है, अभी अर्जित कर भी शायद नहीं पाए हैं, लेकिन इसका एक सामाजिक पहलू भी है, उसकी तरफ भी हमारा ध्यान जाना चाहिए, उसको भी ध्यान से देखना चाहिए। जो दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, यह हमेशा अंतर्विरोधों के साथ आती है, इस पक्ष से या उस पक्ष से, या एक तरफा नहीं होते। और तीसरी बात कि भारत जैसे बहुआयामी देश में जहाँ बहुत ज़्यादा विविधता है, बहुत ज़्यादा भाषा बोली क्षेत्र सबके आधार पर बहुत ज़्यादा विविधता है, तो किसी भी विषय को हम सब्जेक्टिव नज़रिए से नहीं देख सकते हैं, सॉरी ऑब्जेक्टिव नज़रिए से नहीं देख सकते हैं, उसमें सब्जेक्टिविटी का होना बहुत ज़रूरी है, या आता ही आता है। जैसे विरोध का एक तरीका, हम लोगों ने बीच में इस बात का काफ़ी विरोध किया और सही विरोध किया, उत्तर प्रदेश सरकार योगी सरकार जब आई तो वहाँ पर उन्होंने रोमियो स्क्वाड्स बनाए, एंटी रोमियो स्क्वाड्स जो बने, हम सब ने उसका विरोध किया, यहाँ बैठा हुआ संभवतः कोई नहीं होगा जो उसका समर्थन किया, लेकिन यूपी की बहुत सारी जनता ऐसी, अमीर गरीब सब ने कहा कि नहीं ये बात ठीक है। और वहाँ पर जाके मैंने पूछा है, वहाँ ही रहता हूँ मैं, बहुत सारे ऐसे लोग निकल कर आए कि बोला कि नहीं ठीक है ये। तो एक समस्या जब हम उठाते हैं तो उसके इतने सारे आयाम हमारी अपनी आंतरिक विविधता के कारण उभर कर चली आती है कि हम उसको एकांगी रूप में देखेंगे तो गलत निष्कर्षों तक भी पहुंचेंगे, और वो आखिर में जाके किसी को, वैसे भी कोई निर्णय किसी को संतुष्ट नहीं कर सकता है। इसी तरीके से देखिए, जब राजनीतिक सत्ताएं अपना काम करती हैं तो उनके करने का एक तरीका होता है, लेकिन जब राजनीति द्वारा जो चीज प्रस्तावित की जा रही है वो समाज के आंतरिक परतों तक पहुंचती है और वो व्यापक जन समुदाय का हिस्सा बनती है, उसका जब जनता उसका राजनीतिक इस्तेमाल करती है तो जो स्थिति उत्पन्न होती है वो राजनीतिक रूप से जो बंधन हम पर लगाए जा रहे हैं उससे ज़्यादा खतरनाक और भयानक होता है। हम इतिहास के उस मोड़ पर अभी खड़े हैं जहाँ इस कटौती के बहुत सारे मायने हैं। कोई भी घटना, विचार, व्यवहार जब सामाजिक प्रक्रिया का अंग बन जाती है तो अपनी नियंत्रण करने वाली सत्ताओं से भी मुक्त हो जाती है। जैसे गोरक्षा एक राजनीतिक स्टंट था, वो राजनीतिक स्टंट के सहारे एक पार्टी सत्ता में आई, लेकिन आज सत्ता या राजनीतिक दल ये नहीं कह सकता कि वो गोरक्षक या उसके जो अलग अलग ग्रुप्स हैं उनको वो नियंत्रित कर सकते हैं, वो उनके नियंत्रण से बाहर चले जाते हैं, वो उन पर उनका नियंत्रण नहीं रहता है। 10 लोग जाते हैं एक ग्रुप के तहत, अपने आप को एक एनजीओ के रूप में रजिस्टर करते हैं और देखिए गली गली में गोरक्षक दल बन गए हैं। ये जो जब सामाजिक फ्रेम्स में जब जाती है तो वो प्रक्रियागत प्रवाहमानता का हिस्सा बन जाती है, हमारे समाज के प्रक्रियागत प्रवाहमानता का हिस्सा बनती है, और ये निश्चित रूप से राजनीति की जो बड़ी सत्ताएं हैं उसी का प्रतिबिंब है या उसी से निकलकर आती है। लेकिन सत्ता उस एक हमारे मिथकों में भी इसका अच्छा उदाहरण था, वो जब शिव ने वरदान दिया तो वो आखिर में जाकर उसी को, भस्मासुर का उदाहरण हमारी मिथकों से, ये मतलब मिथक, इतिहास, पुराण सब इस बात की गवाही दे सकते हैं। इसके बाद ये हमारी सामाजिकता का हिस्सा बनने लगती है, जब ये सामाजिक प्रवाहमानता का हिस्सा बनती है तो ये हमारी सामाजिकता का हिस्सा बनने लगती है, तब यह बहुत व्यापक हो जाती है, क्योंकि समाज तो हर वक्त हमारे साथ होता है, राजनीतिक सत्ता हर वक्त हमारे साथ नहीं होती है। तब
हमारी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मार्ग में हमारा घर भी बाधक हो जाता है, हमारा परिवार भी बाधक हो जाता है, हमारा पड़ोसी भी बाधक हो जाता है। ट्रेन में सफर करते हुए भी आप हिंसा के शिकार हो सकते हैं। समस्या यह है कि विचार या संदर्भ जितना विशाल होता है या होगा, उसकी सामाजिक अंतःक्रियाएं उतनी ही ज्यादा दिशाओं में यात्रा करेगी। अभिव्यक्ति का संदर्भ आज बहुत बड़ा है। कपड़े पहनने से लेकर शब्दांकन तक जाति और धर्मगत शोषण की व्यवहारिक सरणियों में व्यवहारिक विरोध से लेकर शाब्दिक और सैद्धांतिक विरोध तक विभिन्न रूपों तक न जाने अभिव्यक्ति के कितने रूप हैं। गांव या शहरों में जाति के नाम पर हो रहे शोषण का विरोध करना क्या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं है? अगर वह है तो जो सामंती ढांचा इसको बनाए रखना चाहता है, उस विरोध के विरुद्ध जो हिंसा करता है, क्या वह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन नहीं करता? पद्मावती प्रसंग का जिक्र कर दिया है इन्होंने, तो उसको रिपीट नहीं करूंगा। लेकिन ये पहली बार तो नहीं हुआ है कि पद्मावती, इसके पहले फायर का सेट जलाया गया था और तमाम फिल्में ऐसी आई हैं जिनका सेट जलाया गया है। अब यहाँ से मैं जब एक अपनी बात एक व्यक्तिगत उदाहरण से ही खत्म करूंगा, जब किसी लेख के लिखे जाने के कारण या कुछ लिखे के जाने के कारण एटीएस आपको 20 मिनट तक इंटरोगेट करती है, या बनारस जाते समय प्रभाकर जी नहीं बुलाया था अपने मुक्तिबोध कार्यक्रम में, वहाँ जाते हुए सामने बैठा हुआ आदमी आपको अगर आपसे लड़ने पर उतारू हो जाए, या किसी अफवाह पर अखलाक मार दिया जाए, या ये इसमें बड़ी हिंसा कौन सी होगी जो समाज के भीतर निर्मित हुई है? ये निश्चित तौर से बार बार मैं दोहरा रहा हूँ कि ये राजनीतिक सत्ता का ही प्रतिफलन है, लेकिन जब वो हमारी सामाजिकता का हिस्सा, हमारी सामाजिक सरणियों में आ जाता है, असहिष्णुता आ जाएगी, जब वहाँ से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को बाधा पहुँचेगी, तो वो ज़्यादा बड़ी व्यापक और ज़्यादा खतरनाक बात होगी। मैं बार बार इस बात को कह रहा हूँ। बस एक आखिरी बात कहनी है मुझको कि अभिव्यक्ति या उसकी स्वतंत्रता कभी निर्बाध या अनंत नहीं हो सकती। उसको लेकर बहुत ज़्यादा सचेत, गंभीर और जिम्मेवार होने की ज़रूरत होती है। बचपन में एक कहानी हम लोगों ने पढ़ी थी, रूल्स ऑफ द रोड। उसमें एक आदमी अपना डंडा घुमाता हुआ जा रहा है, तो दूसरे आदमी ने कहा कि ये तुम नहीं कर सकते हो। तो उसने कहा, ये मेरी आज़ादी है। उसने कहा कि नहीं, तुम्हारी आज़ादी वहीं खत्म होती है जहाँ मेरी नाक शुरू होती है। तो दिक्कत ये आ गई है कि अभी नाक इतनी लंबी हो गई है और नाक इतनी दूर तक चली जा रही है कि दूसरे की सीमा बहुत जल्दी खत्म हो जा रही है। बस उस नाक को थोड़ा छोटा करने की ज़रूरत है। और एक बात जो निहायत ज़रूरी है कि क्या हम इस अभिव्यक्ति को खोजने के लिए दूसरे पर हमलावर, क्या कोई हम ऐसा मिलन बिंदु, ये मिलन बिंदु मेरे गुरु नित्यानंद तिवारी का शब्द है, ये मेरा शब्द नहीं है, क्या हम अपने समाज में, अपने व्यक्तिगत जीवन में, या जिसकी सत्ता जितनी बड़ी है, सत्ता के या धर्मों में या जातियों में, कोई ऐसा मिलन बिंदु नहीं खोज सकते हैं जो एक राग निर्मित कर सके? तो जो हम अभिव्यक्ति करने की आज़ादी खोज रहे हैं वो शायद ज़्यादा सुखकर होगी, नहीं तो हमारे समाज दिनानुदिन अनभिव्यक्त होने की सीमा की ओर बढ़ रहा है। धन्यवाद।